मॉर्निंग। आज से हम लोग डिवॉप्स का लेक्चर शुरू करेंगे, ठीक है। हम लोग डिवॉप्स के ऊपर अंडरस्टैंडिंग गेथर करेंगे कि बेसिकली डिवॉप्स होता क्या है, इसके अंदर हम लोग किन किन टूल्स को कवर अप करेंगे। एडिशनली हम लोग ये देखेंगे कि क्या क्या प्रैक्टिसेस होती हैं डिवॉप्स की, एंड इसकी जो लाइफ साइकिल होती है SDLC लाइफ साइकिल, उसको बारे में कैसे हम लोग अंडरस्टैंडिंग गेथर करेंगे एंड वो होती क्या है, उस चीज को हम लोग आज अंडरस्टैंड करेंगे। डिवॉप्स के लेक्चर को शुरू करने से पहले, इस क्लास को बिगिन करने से पहले, मैं आप सभी से जस्ट आप लोगों का इंट्रोडक्शन लेना चाहूंगी। आप किस किस डोमेन में अभी वर्किंग हो, ठीक है, किस किस प्रोफाइल पे अभी आप लोग काम कर रहे हो, एंड इन विच कंपनी यू आर वर्किंग, ओके। एंड आपका पर्पस क्या है, आज डिवॉप्स की जो क्लासेस है उसको स्टार्ट करने के पीछे का आपका पर्पस क्या है। हम लोग स्टार्ट करते हैं विद दिलीप फर्स्ट, ओके। मैं और आईटी इंडस्ट्री में ऑलरेडी वर्किंग हूँ, और मैं क्लाउड पे ऑलरेडी वर्क कर रहा हूँ। लास्ट 3 इयर्स से क्लाउड का एक्सपीरियंस है। टोटल ओवरऑल 8 इयर्स का आईटी में एक्सपीरियंस है, ओके और मैं अभी करंट कंपनी पीटीसी में वर्किंग। ओके दैट्स इट। सो व्हाट्स योर मोटिव बिहाइंड जॉइनिंग? अपग्रेड इन डेवऑप्स प्रोफाइल, मल्टीपल टूल्स हैं उस पे काम करना बेसिकली। ओके सो इन शॉर्ट, अगर मैं आपसे पूछूं, इन योर अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज डेवॉप्स, सो आप इसको किस तरीके से लैबोरेट करोगे? डेवऑप्स कोई वो नहीं, इसमें मल्टीपल टूल्स हैं। आप उस पे किस पे मतलब एक कोई प्रोसेस कह सकते हैं जिसमें मल्टीपल टूल्स आप यूज करके एक टेस्टिंग से लेकर सारी चीजें आप कर सकते हैं। और क्या ओके बट ओके ठीक है, नेक्स्ट पे पहुंचते हैं हम लोग पीयूष भगत। हाय एवरीवन, माय नेम इज पीयूष एंड मैं नॉन टेक बैकग्राउंड से हूँ। एज अ प्रोसेस एसोसिएट वर्क कर रहा हूँ एज अ ओके ऑपरेशन टीम में। मेरी कंपनी का नाम सन लाइफ इंश्योरेंस कैनेडियन कंपनी है। मोटिव ये है डेवऑप्स में इन करने का। आई मेक माई करियर इन आईटी फील्ड, तो दैट्स व्हाई आई एम हियर। ओके सो यू वांट टू मूव योर करियर इन आईटी, सो डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट डेवऑप्स? नो ओके दिलीप, यू कैन म्यूट एंड यू शुड कैन आल्सो म्यूट। नाउ बिगिन विद मणिभूषण। मणिभूषण यू कैन स्टार्ट। मैम। या हेलो एवरीवन, हेलो माय नेम इज मणि भूषण। आई हैव 10+ एक्सपीरियंस इन आईटी कंपनी, करेंटली वर्किंग ऑन डेवऑप्स प्रोफाइल। आई वांट टू एक्सप्लोर मोर इन क्यूबरनेटिस एरिया, दैट्स माय आइडिया। ओके सो आप भी बताइए कि व्हाट इज डेवॉप्स? डेवॉप्स का मतलब होता है डेवलपमेंट प्लस ऑपरेशन, तो इस दोनों से बना है डेवॉप्स। तो पहले क्या होता था कि डेवलपमेंट वाले और ऑपरेशन के अलग अलग सेपरेट काम करते थे, और बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट होता था। तो लेटर ऑन उन्होंने एक ऐसा प्रोफाइल बनाया जो डेवलपमेंट पर भी काम कर सके और ऑपरेशन पर भी काम कर सके। मतलब हमारे इंफ्रा को और स्मूथ और रिलायबल बनाने के लिए एक नया टेक्नोलॉजी है डेवॉप्स, जिसमें आप मल्टीपल थिंग्स लाइक माइक्रो सर्विसेज, कंटेनर और CI/CD पाइपलाइन और तो वेरियस टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं, इससे कंफ्लिक्ट खत्म हो गया। तो इसमें सबसे बड़ा इसका एडवांटेज यह है कि जो प्रोसेस बहुत फास्ट होता है, और जो पहले हम क्लाउड और VM पर काम करते थे तो डिपेंडेंसी और बहुत सारा इशू होता था। जो एक जगह काम करता था फ्रॉड में, टेस्ट में और डेव में काम करता था, फ्रॉड में काम नहीं, मतलब एनवायरमेंट टू एनवायरमेंट डिफर करता था। लेकिन जब ये माइक्रो सर्विसेज और डॉकर टेक्नोलॉजी और कंटेनराइजेशन आ गया तो इसको इलिमिनेट किया गया। तो बहुत सारे मतलब ये IT इंफ्रा वालों के लिए एक एडवांस है ओके डेवॉप्स को, ओके डेवॉप्स ग्रेट, प्रोफाइल। यू हैव अ ग्रेट नॉलेज अबाउट डेवॉप्स एंड अ डीप नॉलेज एज वेल। नाउ लेट्स मूव टू गौरव। हाय एवरीवन, माय नेम इज गौरव राठौर। करंटली आई एम वर्किंग एज अ सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर L2
टेक्नोसिस कंपनी। ओके okay. बच्चा मोटिव मैं एक्चुअली मैंने ये चीज देखी है, ये जब सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर होता है ना, तो कोड कोडर कोड तो बना देता है, फिर उसको पूरा डिप्लॉय करना मल्टीपल टूल का यूज करते हुए, ये डेवऑप्स के थ्रू होता है ओके इस वजह से। ओके आपने आई थिंक ये डेवॉप्स की डेफिनेशन बताई है, कितना मोटिव बताया जॉइनिंग का? तो मैं एक्चुअली है ना, मैं अभी है ना सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर, सर्वर और डेटा सेंटर का काम कर रहा हूँ। तो अभी तो है ना, मैं है ना एक्चुअली जैसे है ना OEM और मल्टीपल है ना, क्या कहते हैं ये मल्टीपल कंपनीज की रिक्वेस्ट आती है, उस हिसाब से हम सर्वर क्रिएट करके देते हैं, फिर ओके वो है ना कंपनीज अपने लेवल पे डिप्लॉय करती है, तो फिर वो उस चीज को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि मैं उस लेवल पे भी जाना चाहता हूँ कि मैं ओके तो डिप्लॉय कर बेसिकली सकूँ आप चीज़ें। डिप्लॉयमेंट का जो ऑपरेशन है उसमें भी अपनी नॉलेज अच्छी खासी गैदर करना चाहते हो कि आप किस तरीके से खुद का डिप्लॉयमेंट कर सकते हो, है ना? ओके ग्रेट, नाउ लेट्स मूव टू फाइजा। जी मेरा नाम फायजा है, मेरा जो है बैकग्राउंड आईटी से नहीं है, लेकिन मेरा इंटरेस्ट आईटी में है, तो इसलिए मैंने ये कोर्स ज्वाइन किया है। ओके सो राइट नाउ आर यू वर्किंग और नॉट? आई एम वर्किंग बट आईटी फील्ड नहीं है, वो एक बैंकिंग फील्ड है, लेकिन मेरा इंटरेस्ट शुरू से आईटी में है, तो मैंने अब सोचा कि मुझे आईटी में जाना चाहिए। सो अगर आपका आईटी में इंटरेस्ट है सो आपको आई थिंक आइडिया होगा डेवॉप्स का, लाइक व्हाट इज डेवॉप्स? जी ओके जी डेवऑप्स इज बेसिकली एक प्रोसेस है जो सिंप्लीफाई करता है एप्लीकेशन डिलीवरी प्रोसेस को, ओके और आप ये भी कह सकते हैं कि इट्स अ कोलैबोरेशन बिटवीन डेवलपमेंट टीम एंड ऑपरेशन टीम। बिल्कुल, इट्स अ कोलैबोरेशन बिटवीन आपके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की एंड आईटी ऑपरेशंस की। ठीक जी है, सो आई थिंक फाइजा एंड मनीभूषण आप दोनों को थोड़ा ज्यादा आइडिया है रिगार्डिंग डेवॉप्स, एंड दिलीप को भी है थोड़ा, बट पीयूष एंड गौरव आई थिंक यू आर काइंड ऑफ अ फ्रेशर, यू बोथ आर काइंड ऑफ अ फ्रेशर, एम आई राइट? यस यस ओके मैम। ठीक है, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं डेवॉप्स से। पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, दिस साइड शिखा। ओके सो मैं आपको आज की क्लास डेवॉप्स की आपको स्टार्ट करने वाली हूँ, डेवॉप्स की क्लास मैं ही आपको डिलीवर करूंगी, ठीक है? बाकी के जितने भी टूल्स होंगे, कौन सा ट्रेनर डिलीवर करेगा, ठीक है, किस तरीके से किस फ्लो में चलेंगे, ये सब हम लोग आगे की क्लासेस में कवर अप करेंगे, एंड यू विल गेट द अपडेट एज वेल रिगार्डिंग दीज थिंग्स। बट राइट नाउ आज की क्लास मेरे थ्रू ही डिलीवर होगी, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास को। आप कौन कौन सा क्लासेस लोगे मैम, केवल आज के लिए या फिर एक बार कंफर्म करेंगे, या फिर पूरी डेवऑप्स का जितने टूल है सारे पे, जो भी सिलेबस है सब पे आप ही कवर करोगे? एज यू ऑल नो दैट वी आर अ कंपनी, वी वर्क टुगेदर, लाइक हमारे जितने भी ट्रेनर्स हैं वी ऑल वर्क टुगेदर, ठीक है? सो हमारे जो मोस्टली टूल्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट ट्रेनर्स के थ्रू डिलीवर किए जाते हैं, वो डिपेंड करता है लाइक हमारे जो उस टाइम पे जो फ्री कौन सा ट्रेनर है, सो इस वाली ये जो आपकी पर्टिकुलर टूल होता है वो उस ट्रेनर को दे दिया जाता है कि ये वाला ट्रेनर अब आपका ये वाला टूल डिलीवर करेगा, एंड इसके रिगार्डिंग जो अपडेट होगी वो आपको हेल्प डेस्क के थ्रू पता चल जाएगी आपके ग्रुप में, ठीक है? ठीक है, बिकॉज उस टाइम मैसेज पे जो आया था वो कि संजय सर ही क्लासेस कवर करेंगे, इसलिए मैंने आपसे क्वेरी पूछा था। संजय सर भी क्लासेस आपकी लेंगे, ऐसा नहीं है, बट आई थिंक वो सारे टूल्स नहीं ले सकते, आपको भी पता है क्योंकि उनकी मल्टीपल क्लासेस ऑलरेडी चल रही होती है ना? सो वो कुछ टूल्स आपके कवर अप करते हैं, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स होते हैं, बाकी आपके मोस्टली अदर ट्रेनर्स भी कवर अप करते हैं। ठीक है, सो डेवॉप्स को अंडरस्टैंड करते हैं, व्हाट इज डेवॉप्स? जैसे कि बाकी लोगों ने आंसर भी दिया है, डेवॉप्स इज जस्ट हम लोग बोल सकते हैं कोलैबोरेशन है बिटवीन आपके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की एंड आईटी ऑपरेशंस की, या फिर आप बोल सकते हो ये जो है बेसिकली इसके बीच में आपके ये दो टर्म्स में डिवाइडेड रहता है आपका डेवलपमेंट एंड ऑपरेशंस में, जहां पे जो डेवलपमेंट है वो रेफर करता है डीईवी डेव को एंड ऑपरेशंस रेफर करता है ओपीएस ऑप्स को।
ये दो आपकी टर्म का एक तरीके से कोलैबोरेशन है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कोई भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं, उसकी जो डेवलपमेंट करते हैं वो किसके थ्रू करते हैं, हम लोग उसके लिए कुछ आईटी के ऑपरेशंस को यूज करते हैं। आईटी ऑपरेशंस लाइक आपका आ जाता है उसमें बिल्डिंग होता है, टेस्टिंग होता है, ठीक है आपका, देन आपका उसमें डिप्लॉयमेंट होता है, देन अगेन टेस्टिंग होता है, आपके कोड एनालिसिस होते हैं, मल्टीपल आपके ऑपरेशंस होते हैं, पूरी की पूरी लाइफ साइकिल होती है जो कि रन होती है एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए, ठीक है। उस लाइफ साइकिल को अगर मैं बात करूं, जिस लाइफ साइकिल को हम लोग क्या बोलते हैं, एसडीएलसी लाइफ साइकिल, जहां पे आपको एसडीएलसी जो होता है वो रेफर करता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। इस लाइफ साइकिल को फॉलो किया जाता है, इसके प्रोसीजर के अकॉर्डिंग ही आपका एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है, विच मीन्स आपके मल्टीपल स्टेजेस होते हैं आपके एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए। जरूरी नहीं है कि आप हमेशा सबसे पहले आप अपने सोर्स कोड को आपने रेडी कर लिया, रेडी करने के बाद बिल्डअप कर दिया, कंपाइलिंग एंड ऑल करा के बिल्डअप किया, देन टेस्टिंग की, देन उसके बाद आपने उसकी डिप्लॉयमेंट की, ठीक है। इस तरीके से ही काम नहीं होता, यही कुछ फ्यू स्टेजेस नहीं होते सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए, देर आर मल्टीपल स्टेजेस जब आपका एक सॉफ्टवेयर बन रहा होता है। एक सॉफ्टवेयर को अगर आप बात करो, जब एक सॉफ्टवेयर बनता है ये सेम प्रोसेस होता है जैसे कि अब आप बात करें, फॉर एग्जाम्पल अगर आप खाना बना रहे हो, तो खाना बनाते टाइम आपके साथ आप लोग बहुत सारी हम लोग प्रोसीजर को यूज करते हैं, लाइक उसका जो प्रोसीजर होता है बहुत सारी चीजों को, बहुत सारे स्टेजेस को गो थ्रू करते हुए ही एक पर्टिकुलर स्टेप डन होता है। विच मीन्स फॉर एग्जाम्पल अगर हम अपने सॉफ्टवेयर को बिल्डअप कर रहे हैं, तो सबसे पहले सॉफ्टवेयर को जो बिल्डअप करने वाले हो उसकी भी आप डिजाइनिंग करोगे, उसकी भी डिफाइनिंग करोगे, उससे रिलेटेड भी आप एक डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट करोगे कि अच्छा मुझे ये सॉफ्टवेयर बनाना है, इसके लिए मुझे ये रिक्वायरमेंट्स है। अगर ये रिक्वायरमेंट्स हमारी फुलफिल हो सकती है तब हम इस सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं, रादर हम उसके ऑल्टरनेटिव्स ढूंढते हैं कि भाई हमारा ये जो सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा है इससे रिलेटेड, इसको डिजाइन करने के लिए, ठीक है, और इससे रिलेटेड ये हमें इन टूल्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, हम उसके ऑल्टरनेट ढूंढेंगे इन केस वो हमारे पास अवेलेबल नहीं होते, तब जाके हम लोग एक प्लानिंग कर पाते हैं कि हमारा ये सॉफ्टवेयर बनेगा जिसके अंदर हम इन इन चीजों की यूज करेंगे, हमें इतने डेवलपर्स की नीड है, इतने सर्वर्स की नीड है, हमें ये सोर्स कोड चाहिए, इस पर्टिकुलर लैंग्वेज में सोर्स कोड रिटर्न होना चाहिए, ये सब कुछ आप पहले प्लानिंग करते हो एक सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए। सो दैट्स व्हाई कहा जाता है जो एसडीएलसी लाइफ साइकिल है वो सिंपली आपके कुछ फ्यू स्टेजेस के ऊपर ही डिपेंड नहीं होता, उससे पहले भी बहुत सारे ऐसे स्टेजेस होते हैं जिनके थ्रू जो गो थ्रू होते हैं आपके एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए, विच मीन्स आपको प्लानिंग करनी पड़ती है, डिजाइनिंग करनी पड़ती है, डिफाइनिंग करनी पड़ती है, तब जाके आपका प्रोसेस होता है कि आप क्या करते हो अपने सोर्स कोड को रेडी करते हो, ठीक है। सोर्स कोड आपका डेवलपर रेडी करता है, वी ऑल नो दैट हमारा जो डेवलपर होता है कि वो सोर्स कोड को रिटर्न करता है, लिखता है, ठीक है, राइट करता है बेसिकली। आफ्टर वर्ड्स हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो जो सोर्स कोड होता है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कच्चा माल, जैसे कच्चा माल को हम लोग बना देते हैं ना एक पूरे लाइक एक पक्के माल में हमारा कन्वर्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल आप सब्जी है हमने काट के रख ली, अब उस सब्जी को पकाना भी तो है हमें, सिमिलरली वो जो सोर्स कोड है आपका एक टाइप का रॉ मेटेरियल होता है, उस सोर्स कोड को हम लोग सबसे पहले क्या कराते हैं, उसकी टेस्टिंग कराते हैं कि भाई सोर्स कोड में कोई इश्यू तो नहीं, बग्स तो नहीं, ऐसा तो नहीं कि सोर्स कोड कुछ गलत लिखा हुआ है, या अगर कुछ गलत होता भी है तो हम हमारे डेवलपर को नोटिफाई करेंगे पहले ही कि भाई सोर्स कोड को ठीक करके दो, इसमें कुछ इश्यू है। आफ्टरवर्ड्स जब टेस्टिंग डन होती है तब हम लोग कहते हैं कि सोर्स कोड की हम बिल्डिंग कराएं, ठीक है, बिल्डिंग हम लोगों ने डन कर दी, देन अगेन उसकी टेस्टिंग कर दे, टेस्टिंग भी डन, देन उसके बाद डिप्लॉयमेंट, मतलब बहुत सारे स्टेजेस को क्लियर करते हुए, स्टेजेस को पार करते हुए ही आपका एक सॉफ्टवेयर डेवलप होता है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई कहा जाता है जो डिवॉप्स है वो बेसिकली किस लाइफ साइकिल को फॉलो करता है, किस प्रोसीजर पे चलता है, वो होता है एसडीएलसी लाइफ साइकिल। ओके, डिवॉप्स को अंडरस्टैंड करने से पहले हम थोड़ा ये भी और जान लेते हैं आईटी इंडस्ट्री को, कि बेसिकली आईटी इंडस्ट्री जो थी, जिन्होंने हमारे सॉफ्टवेयर को डेवलप किया, ठीक है, और हमारे सॉफ्टवेयर कैसे बनने शुरू हुए, और मार्केट में इसके पीछे मतलब मार्केट में आपका ये आईटी का जो बेसिकली टीम है आप बोल सकते हो, आईटी के जो ऑपरेशंस है वो आने के पीछे का रीजन क्यों था, और आज मार्केट में आप देख सकते हैं आईटी जो टेक्नोलॉजी है, आईटी आपका बहुत बूम पे चल रहा है, दैट्स व्हाई, बिकॉज हर एक चीज आपका ऑटोमेट हो चुकी है, अब आपको खुद से कुछ मैनुअली नहीं करना पड़ रहा, सब कुछ ऑटोमेट है, ठीक है, सब कुछ ऑटोमेशन के थ्रू चल रहा है, आप हमारे जो मैन पावर है, मैन पावर से ज्यादा हमारा काम ऑटोमेशन पे हो रहा है, तो जो मैन पावर पे हम लोग कोस्टिंग देते थे वो हमारी अब बच रही है ना, तो कोस्ट कटिंग भी हो पा रही है, तो देर आर मल्टीपल बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग डेवऑप्स।
इन टुडेज लाइफ अगर हम लोग बात करें, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हम लोग अंडरस्टैंड कर लेते हैं थोड़ा आईटी को, आईटी इंडस्ट्री को, तब हम लोग थोड़ा डेवऑप्स के ऊपर सीधा स्टार्ट करेंगे, क्योंकि एक बार आपको आईटी इंडस्ट्री के ऊपर इंफॉर्मेशन मिल गई, सो क्योंकि जो बिगिनर है और आप बोल सकते हो जो फ्रेशर्स है उनको भी पता चल जाएगा ये सीधा डेवऑप्स किस तरीके से आ गया मार्केट में। सो मार्केट में डेवऑप्स आने से पहले हमारे पास आईटी इंडस्ट्री आई थी, ठीक है। सो आईटी इंडस्ट्री पहले आई थी आपकी डेवऑप्स से। आईटी इंडस्ट्री के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो होती है आपकी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की, और वो जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होता है जिन स्टेजेस को वो यूज करते हैं उन स्टेजेस को ही हम लोग बोल देते हैं एसडीएलसी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, विच इज रेफर्ड टू डेवऑप्स, डेवलपमेंट एंड ऑपरेशंस। ओके, सो आईटी इंडस्ट्री क्या करती है? अगर मैं बात करूं, आईटी इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग करती है। किसकी मैन्युफैक्चरिंग करती है? सॉफ्टवेयर्स की। मतलब आईटी इंडस्ट्री का जो काम है वो क्या काम है? सॉफ्टवेयर को डेवलप करना, सॉफ्टवेयर को मैन्युफैक्चर करना, है ना। अब आज की अगर हम लोग बात करें, आज की लाइफ में हम लोग सभी जानते हैं आजकल के टाइम पे सभी लोग हम सॉफ्टवेयर के ऊपर डिपेंड है। फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं, एक दूसरे से मीट कर पा रहे हैं, एक दूसरे से कॉन्वो कर पा रहे हैं, वो किसके थ्रू कर पा रहे हैं? हमारे पास ऐसे कुछ रिसोर्सेज हैं, हमारे पास ऐसे कुछ सॉफ्टवेयर हैं जिनके थ्रू हम लोग आपस में कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं, विच इज गूगल मीट, जूम, आपके बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि डेवलपर्स ने डेवलप किए हैं, ताकि आपके जो कस्टमर्स हैं, ताकि जो ऑडियंस है वो आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सके, कम्युनिकेट कर सके। ऐसा ना हो, मान लो कोई अगर राइट नाउ आई एम इन इंडिया और मेरा एक स्टूडेंट बैठा है यूके में, तो ऐसा ना हो कि उसको यूके से इंडिया आना पड़े मुझसे क्लासेस लेने के लिए। अब अगर उसे मुझसे क्लासेस चाहिए तो वो ऑनलाइन भी ले सकता है। सो ये सॉफ्टवेयर है जो किसने डेवलप किया, जो कि आईटी इंडस्ट्री में डेवलप हुआ, आपके डेवलपर्स ने डेवलप किया, उन्होंने सोर्स कोड लिखा, तब जाके आगे सोर्स कोड को बिल्डअप किया गया, टेस्टिंग की गई, तब जाके उसका डिप्लॉयमेंट हुआ। तो आजकल के टाइम में हम सभी लोग सॉफ्टवेयर्स के ऊपर पूरे के पूरे डिपेंड है। अगर हम बात करें, अगर हमें कुछ भी काम करना होता है तो हम लोग सॉफ्टवेयर्स की हेल्प लेते हैं, इंस्टेड ऑफ टेकिंग हेल्प फ्रॉम अ मैन और अ लाइक यू कैन से किसी भी इंसान से, ह्यूमन बींग से हेल्प लेने से बेटर है हम लोग आजकल सॉफ्टवेयर से हेल्प लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, मुझे इधर से किसी और लोकेशन पे जाना है तो मैं गूगल मैप्स का यूज करूंगी, मुझे मेट्रो का रूट चेक करना है तो मैं मेट्रो रूट गूगल पे चेक कर सकती हूँ, ठीक है। ये सब कुछ ऑनलाइन वर्क में कर रही हूँ, सब कुछ ऑटोमेशन पे है। अगर मान लो मुझे भूख लगी है तो मुझे अभी राइट नाउ कुछ ऑर्डर करना है, तो मेरे पास देर आर मल्टीपल सॉफ्टवेयर जिनके थ्रू मैं अपना खाना ऑर्डर कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल स्विगी, जोमेटो, आपके अब आजकल आपके बहुत सारे आ चुके हैं, अदर्स भी है लाइक डोमिनोज, आपका अगर आपको पिज्जा ऑर्डर करना है देर आर मल्टीपल्स, आपकी अलग से लाइक कॉफी के लिए अलग आ चुके हैं, ठीक है। अगर आपको कॉफी ऑर्डर करना है तो कॉफी के अलग सॉफ्टवेयर है, लाइक अलग अलग जो आपके कुछ ब्रांड्स हैं जिन्होंने अपने खुद के ऐसे सॉफ्टवेयर निकाले हैं जिनके थ्रू आप ऑर्डर करोगे उनकी शॉपिंग साइट पर, एंड देन यू विल गेट योर ऑर्डर विद इन फ्यू मिनट्स। सो ये सब कुछ क्या है? ये सब कुछ सॉफ्टवेयर लगा है। अगर जहां पे आपने देखा होगा, अभी हम लोग किसी को रैंडम कॉल करते हैं, किसी कंपनी पे कॉल करते हैं, तो आपको पता है जो पहले आपकी कोई लैंग्वेज में, कोई इंग्लिश लैंग्वेज में, एज यू ऑल नो दैट कोई भी एक लड़की अगर बोल रही होती है, कोई लड़का बोल रहा होता है, इट इज सॉफ्टवेयर, जो बाय डिफॉल्ट आप कभी भी कॉल कर लो सेम ही चीज आपको रिपीट मिलती है। अगर आप किसी भी साइट पे अभी कुछ क्लिक करते हो, कुछ क्वेरी करते हो, आपको सेम आउटपुट मिलता है, थैंक यू फॉर कॉन्टेक्टिंग दिस एंड ऑल। ये क्या है? ये सब कुछ सॉफ्टवेयर है। मतलब हम लोग आजकल पूरे के पूरे सॉफ्टवेयर के ऊपर डिपेंड है, और यही तो होता है कि सॉफ्टवेयर, ये जो सॉफ्टवेयर बना है वो किसने बनाया है? ये आपकी आईटी इंडस्ट्री ने क्रिएट किया, आईटी इंडस्ट्री में जो डेवलपर्स बैठे हैं उन्होंने इस सॉफ्टवेयर को बनाया, ठीक है। सो सेम प्रोसेस है, हम लोग भी यही अंडरस्टैंड करेंगे कि ये जो सॉफ्टवेयर बना है ना, इसके पीछे ये जो बना है उसके पीछे का बेसिकली प्रोसेस क्या रहा होगा, इस सॉफ्टवेयर को बनाया कैसे होगा। कोई भी सॉफ्टवेयर जो बनता है उसके पीछे का जो प्रोसीजर होता है, जब आप उसको अंडरस्टैंड कर लेते हो तो आप समझ पाते हो, अच्छा एक सॉफ्टवेयर ऐसे बन रहा है, अब हम भी बना सकते हैं एक सॉफ्टवेयर, हम लोग भी अपनी एप्लीकेशन रेडी करके उसको डिप्लॉय कर सकते हैं, हम लोग भी अपनी एप्लीकेशन क्रिएट करें, उसे डिप्लॉय करें एंड उससे अर्निंग ले सकते हैं। सो यही प्रोसेस होता है जो आईटी इंडस्ट्री करती है, और आईटी इंडस्ट्री में अगर आप सभी लोग जाना चाहते हो तो आपका भी मेन मोटिव यही रहेगा कि आप सॉफ्टवेयर को कैसे क्रिएट कर सकते हो, है ना। अभी तक सबको क्लियर है? जी ठीक है, क्लियर। ठीक है, किसी को कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बात करते हैं सॉफ्टवेयर को डेवलप कैसे किया जाता है।
एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करते टाइम आप मल्टीपल स्टेजेस से गुजरते हो, विच इज अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, कुछ प्लानिंग की जाती है, डिजाइनिंग की जाती है, डिफाइनिंग की जाती है, देन आपका बिल्डिंग का प्रोसेस होता है, आफ्टरवर्ड्स आपका टेस्टिंग किया जाता है, उसके बाद आपका दोबारा आपका पहले सोर्स को रेडी किया जाता है, देन टेस्टिंग किया जाता है, देन बिल्डिंग किया जाता है, देन अगेन टेस्टिंग किया जाता है, एंड देन डिप्लॉयमेंट डन होता है. एंड डिप्लॉयमेंट भी आप सीधा प्रोडक्शन में नहीं करते हो, आप प्री प्रोडक्शन एनवायरमेंट क्रिएट करते हो, विच इज योर स्टेजिंग एनवायरमेंट, ठीक है, एक टेम्पररी बेसिस पे. एंड देयर आफ्टर आप अपना प्रोडक्शन एनवायरमेंट पे क्रिएट करते हो, जब आपको लगता है आपका सॉफ्टवेयर बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है, कोई इशू नहीं है उसमें, देयर आफ्टर आप उसको प्रोडक्शन पे भेजते हो. तो हम लोग थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं इसकी लाइफ साइकिल को, कि एक सॉफ्टवेयर बनता कैसे है और उसको डिप्लॉय कैसे करते हैं. अज्यूम करते हैं, मान लो मेरी कंपनी है, उसने मुझे बोला है आपको एक सॉफ्टवेयर बनाना है, लेट्स टेक हम लोगों को एक सॉफ्टवेयर बनाना है, ठीक है, एक एप्लीकेशन बिल्डअप करनी है, और इसका नेम है, ले लो हम लोग ले लेते हैं कुछ भी, माई ऐप डॉट कॉम, ठीक है, मुझे ये सॉफ्टवेयर बनाना है. मैंने बोला मुझे इस नेम का एक सॉफ्टवेयर बनाना है, ठीक है, ये सॉफ्टवेयर मुझे बनाना है. मैंने कहा कि ये जो सॉफ्टवेयर हम लोग बनाएंगे, सबसे पहले हमें किसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, हमें चाहिए होंगे डिवेलपर्स, ठीक है, ये डिवेलपर्स क्या करेंगे, ये डिवेलपर्स इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के लिए सोर्स कोड रेडी करेंगे, ठीक है, सोर्स कोड विच इज योर प्रोग्रामिंग करेंगे, ताकि आपका एक सोर्स कोड बने, रेडी हो, एक पूरा फाइनल सोर्स कोड रेडी होगा, आपका प्रोग्राम रेडी होगा, दूसरा डेवलपर अपना प्रोग्राम लिखेगा, जब दोनों के प्रोग्राम हमें मिलेंगे हमारे सॉफ्टवेयर के लिए, हम दोनों के प्रोग्राम को आपस में कंपाइल करेंगे, मर्ज कराएंगे, ठीक है, कंपाइल हो गया, देन जाके हम लोग उसकी टेस्टिंग करते हैं सोर्स कोड की. सो बेसिकली ये दो डेवलपर्स अगर आपके सामने अभी आपको दिख रहे हैं, दिस इज योर डेवलपर वन एंड लेट्स टेक दिस वन इज योर डेवलपर टू, इन दोनों डेवलपर्स ने क्या किया, अपने अपने एनवायरनमेंट पे, अपने अपने रिसोर्सेस पर सबसे पहले तो प्रोग्रामिंग करें. अब देखो क्या होता है, जब आप आईटी इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हो, आईटी ऑपरेशंस कर रहे हो, एंड वी ऑल नो दैट आईटी के अंदर हम लोग सॉफ्टवेयर्स यूज करते हैं, सब कुछ ऑटोमेट होता है, सब कुछ ऑटोमेशन पे वर्क करता है, तो या तो इनके पास ऑप्शन है, या ये सिंपल अपने रिसोर्सेस पर लिख सकते हैं, ठीक है, सोर्स कोड लिखे, रेडी करें, देन एक अलग से अपना एक सेंट्रलाइज लोकेशन बनाए, वहां जाके पुश करें, ठीक है, वहां पे जाके जो इंजीनियर बैठा बैठा होगा वो क्या करेगा, इसके सोर्स कोड को लेगा, इसके सोर्स कोड को लेगा, टेस्टिंग करेगा एक बार अपने पास, ठीक है, चेक करेगा कि कोई इशू तो नहीं आ रहा, आफ्टरवर्ड्स कंपाइल करेगा एक डिफरेंट फाइल में, एक सिंपल कॉमन फाइल में उस पर्टिकुलर सोर्स कोड को रेडी करेगा, देर आफ्टर नेक्स्ट इंजीनियर को बोलेगा कि आपको ये करना है. तो बेसिकली इनके पास क्या ऑप्शन है, या तो ये मैन्युअली करें सब कुछ, ये सब कुछ क्या करें, अपने पास जो सोर्स कोड रेडी कर रहे हैं, जो प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, खुद से सेंड करें सेंट्रलाइज लोकेशन के ऊपर, सेंट्रलाइज लोकेशन पे जो पहुंचेगा, जो इंजीनियर बैठा होगा वो सारा का सारा काम खुद से करे, विच मीन्स उसकी कंपाइलिंग एंड ऑल, टेस्टिंग एंड ऑल, ठीक है, वो देखे किसकी फाइल किस टाइम पे आई है, किसकी फाइल किस टाइम पे आई है, जो जो एक एक कोड उसने लिखा होगा, जो सा इंसर्शन हुआ होगा, उसको अपने पास लोकल में सेव करें. लेकिन ये बहुत कॉम्प्लिकेसी बढ़ाता है. तो क्या हुआ, आईटी में आपका एक ऐसा टूल आया था जिसका नाम, आई थिंक आप लोग को, आप लोग सभी लोग फेमिलियर होंगे इससे, गिटहब से, गिट एंड गिटहब से, ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ, बाकी मैं आपको एक जस्ट ओवरव्यू दे दूंगी गिट एंड गिटहब का, कि बेसिकली इनका यूज केस क्या है, बाकी आप इसके, जब आप इस पर्टिकुलर टूल की क्लासेस लोगे तो आपको कवर अप हो ही जाएगा गिट एंड गिटहब के बीच का डिफरेंस. सी, गिट क्या होता है, गिट आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट देता है जिसमें आप अपनी लोकल रिपोजिटरी क्रिएट करते हो, विच इज योर लोकल डायरेक्टरी, या फिर आप बोलते हो लोकल फोल्डर, ठीक है. तो ये डेवलपर से बोला गया है, अगर आप अपने सोर्स कोड को लिख रहे हो, मान लो मैंने आज सोर्स कोड रेडी किया, आज थोड़ी सी प्रोग्रामिंग की, अब मुझे कल लगा नहीं ये जो मैंने प्रोग्रामिंग की है ना ये ठीक नहीं है, थोड़े चेंजेस कर देती हूँ, मैंने कल भी प्रोग्रामिंग कर दी, फिर मैंने कहा नहीं आज तो मैंने प्रोग्रामिंग कर तो दी, ये दोनों प्रोग्रामिंग ठीक तो है लेकिन मेरे सॉफ्टवेयर के लिए शायद परफेक्ट ना हो, सॉफ्टवेयर को बनाते टाइम शायद कोई इशू आ सकता है, कोई बग आ सकता है, मैंने सोर्स कोड में से वो जो प्रोग्रामिंग की थी वो सारी डिलीट की, मैंने न्यू प्रोग्रामिंग एड ऑन की, आफ्टरवर्ड्स कुछ दिनों बाद मुझे पता चलता है नहीं मुझे पुराना वाला जो प्रोग्राम मैंने लिखा था ना मुझे उसकी रिक्वायरमेंट है, तो अब मैं क्या करूं, या तो मेरे पास ऑप्शन है जितने भी मैं प्रोग्राम ऑन अ डेली बेसिस ऑन अ फ्यू सेकंड्स में या फिर कुछ फ्यू मिनट्स में जो लिख रही हो, प्रोग्रामिंग कर रही हो अपनी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के लिए, उन प्रोग्राम्स को साइड बाय साइड एक फाइल के अंदर एंटर करके उस फाइल को मैं कहीं ना कहीं अपने लोकल एनवायरमेंट पर सेव करती रहूं,
ऐसे कितनी सारी बेसिकली मल्टीपल फाइल्स मेरे एनवायरनमेंट पर हो जाएगी, और देखा जाए तो मेरा जो सर्वर होगा वो भी कहीं ना कहीं हैंग करेगा, वो भी कहीं ना कहीं बॉटलनेक हो जाएगा कि बेसिकली यार इतनी सारी फाइल्स हो गई है, हम लोग खुद कंफ्यूज हो जाएंगे ये फाइल कौन से प्रोग्राम में, इस प्रोग्राम ये वाली फाइल में कौन सा प्रोग्राम लिखा है, इस वाली फाइल में कौन सा प्रोग्राम लिखा है, नेक्स्ट वाली में क्या लिखा है। तो बेटर ये रहता है कि आप गिट का यूज करो। गिट कहता है कि जो कॉपी, जो आप अपनी फाइल की कॉपीज करो ना अपने लोकल पे, वो कॉपीज मत करो, वो सब कुछ मेरा काम है कॉपी करना, विच मीन्स वर्जनिंग को मेंटेन करना। तो आप गिट के थ्रू वर्जन मेंटेन कर पाते हो। वर्जन मेंटेन मतलब जो भी प्रोग्राम आप लिख रहे हो ना अपनी पर्टिकुलर फाइल में, जितनी बार आप उस प्रोग्राम को कमिट करोगे, जितनी बार उस प्रोग्राम को सेव करोगे, कमिट करोगे, वो प्रोग्राम की एक कॉपी, एक बोल सकते हो आप कॉपी बोल सकते हो, ठीक है, वो गिट को मिलती रहेगी। मतलब गिट उसकी ट्रैकिंग करता रहेगा, जितने प्रोग्राम आए गिट के पास उस प्रोग्राम का सारा आउटपुट है, विच मीन्स आपने इस पर्टिकुलर टाइम पे जो ये फाइल को सेव किया था, इस फाइल के अंदर क्या प्रोग्राम लिखा था आपको वो पता चलेगा, इस टाइम पर क्या प्रोग्राम लिखा था आपको पता चलेगा। तो गिट क्या करता है, पूरी वर्जनिंग मेंटेन करता है, जिसमें आपको लोकल में अपने एनवायरमेंट में, लोकल एनवायरमेंट में आपको अपनी सोर्स फाइल की कॉपी जनरेट करके नहीं सेव करनी होती। आप सिंपल अपने सोर्स कोड को रेडी करो, प्रोग्राम्स लिखो, उनको कमिट करो, विच मीन सेव करो, अपने आप गिट उनको ट्रैक करेगा, और आपको कभी भी इनकेस अगर आउटपुट चाहिए तो आप अपने कमिट आईडी को चेक करो, आपको पूरा का पूरा प्रोग्राम मिल जाएगा। अब क्या हुआ, अब हमें इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को बनाना था, तो हम लोगों ने भी क्या बोला कि हमारे डेवलपर्स के एनवायरनमेंट पर हम लोग क्या कर दे, गिट का पैकेज डाल दे, ठीक है। हम लोगों ने गिट का पैकेज डाल दिया इन दोनों के एनवायरनमेंट पर, दोनों डेवलपर्स के एनवायरनमेंट पर। यहाँ पे भी आपका गिट चल रहा है, गिट चल रहा है तो इनकी वर्जनिंग भी ऑटोमेटिकली मेंटेन हो रही है, इनको खुद से मैन्युअली मेंटेन नहीं करने पड़ रही, दोनों की वर्जनिंग मेंटेन हो रही है, कॉपीज जनरेट हो रही है, ठीक है, कमिट आईडी मिल रही है इनको। अब इनसे कहा गया कि आपने इतना तो कर लिया, आप अपने सोर्स कोड को सेव तो कर पा रहे हो, ठीक है, आपको लोकली नहीं सेव करना पड़ रहा। अब इसके बाद आता है कि आप क्या करो, एक सेंट्रलाइज लोकेशन के ऊपर ना दोनों के दोनों डेवलपर्स अपने सोर्स कोड को, जो प्रोग्राम इन्होंने लिखा है ना, वो यहाँ पे सेंड कर दो, यहाँ पे पुश कर दो। तो मान लो, अज्यूम कर लेते हैं डेवलपर वन ने क्या किया, डेवलपर वन ने index.html नाम की फाइल लिखी, ठीक है, इसमें अपना सोर्स कोड सेंड किया, यहाँ पे जो डेवलपर बैठा था इसने भी क्या बोला, index.html 2 ले लो, इसने ये फाइल लॉन्च की और इसके अंदर जाकर अपना प्रोग्राम लिखा। अब इन दोनों ने अपनी फाइल्स को कहाँ भेजा, अपनी सेंट्रलाइज लोकेशन पे। अब सेंट्रलाइज लोकेशन में या तो आप अपना प्राइवेट सर्वर बना सकते हो, सो प्राइवेट सर्वर कैसे बनाते हैं ये सब आप आगे की क्लासेस में कवर अप करोगे। राइट नाउ हम लोग जस्ट समझते हैं कि आप अगर प्राइवेट सर्वर बनाते हो तो आप वहां पे बैठकर भी अपनी सारी ये प्रोसेस डन कर सकते हो, कंपाइलिंग का, मर्जिंग का, टेस्टिंग का, ठीक है। सो या आपके पास बेटर ऑप्शन है, आप किसका यूज करो, गिटहब का। गिटहब क्या है, गिटहब बेसिकली आप एक का एक ऐसा वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म है जो आपको ट्रैकिंग की, वर्जनिंग की एंड इवन इंफॉर्मेशन स्टोर करने की, आपकी फाइल्स, आपकी डायरेक्टरीज, इन सभी को स्टोर करने की आपको एक फीचर प्रोवाइड करता है। विच मीन्स जो सेंट्रलाइज लोकेशन आप ढूंढते हो, जिसके लिए आप अलग से एक रेपोजिटरी क्रिएट करते हो, अलग से एक रजिस्ट्री सर्वर बनाते हो, आपको वो बनाने की नीड नहीं होती, आप सिंपल गिटहब की सेंट्रलाइज लोकेशन का यूज करो। गिटहब बोलता है कि आप यहाँ आओ, रेपोजिटरी क्रिएट करो, अपनी एक पर्टिकुलर डायरेक्टरी बनाओ या फोल्डर बनाओ, ठीक है। तो आपने यहाँ पे अपनी एक रेपो बनाई, सपोज आपने एक रेपो बनाई अपनी, इस रेपोजिटरी में आपने क्या बोला कि यहाँ पे जितने भी डेवलपर्स आएंगे ना, वो अपने सोर्स कोड को यहाँ पे जाके, इस सेंट्रलाइज लोकेशन पे जाके पुश करें। तो अब डेवलपर्स ने अपनी index.html 1 और आपके index.html 2, ये जो दोनों फाइल्स हैं, डेवलपर्स ने यहाँ पे पुश की। यहाँ पे जो इंजीनियर बैठा होगा, अब उसका काम क्या है, दोनों फाइल्स को कंपाइल करे, मर्ज करके एक सिंगल फाइल बना दे, और लेट्स टेक आपके डेवलपर ने एक सिंगल फाइल बना दी index.html 4 करके। तो अब ये आपकी एक फाइल बन चुकी है जिसके अंदर आपका मेन सोर्स कोड लिखा गया आपके सॉफ्टवेयर के अंदर। तो देखो, गिटहब भी आपको वो पूरी की पूरी फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है, जिस तरीके से गिट देता है, गिट जिस तरीके से वर्जनिंग मेंटेन करता है, विच मीन्स आपको खुद से लोकली कॉपीज सेव नहीं करनी पड़ती, आपकी कॉपीज जो हो जाती है वो आपका गिटहब आपकी वर्जनिंग मेंटेन करके दे देता है।
एडिशनली वर्जनिंग के साथ साथ ट्रैकिंग हो रही है. इन केस अगर आपको कभी प्रोग्राम की नीड पड़े तो आप सिंपली उस कमिट आईडी पे जाइए, जो ट्रैकिंग हो रही है आप उस ट्रैक को ट्रैक करिए कि देखिए ट्रैकिंग के अंदर आपकी कमिट आईडी कहाँ पे पड़ी है. कमिट आईडी को ओपन करें, चेक करोगे आपका प्रोग्राम क्या लिखा था, आपको इतना भी पता चलेगा कि किस ऑथर ने लिखा है, किस टाइम पर किया है, कौन सी डेट थी. एंड इवन आपको ये भी पता चलेगा उस ऑथर की इंफॉर्मेशन, लाइक नेम क्या था उसका, ईमेल आईडी क्या थी, इन केस अगर उसने प्रोवाइड की है. ठीक है, ये सब कुछ आपको प्रोवाइड होता है, ये सब कुछ आपको पता चलता है ऑन टाइम. सो गिटहब भी आपकी वर्जनिंग मेंटेन कर रहा है एंड सब प्रोसेस कर पा रहा है. ठीक है, सारे फीचर्स आपको प्रोवाइड कर दे. अब आगे बढ़ते हैं. देखो हमारा प्रोग्राम पूरा रेडी हो चुका है, सोर्स कोड पूरा का पूरा रेडी हो चुका है हमारे पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के लिए, विच इज माई ऐप डॉट कॉम. अब आगे का स्टेप क्या आता है, मैंने क्या बताया था, देखो जब आपका सोर्स कोड रेडी हो जाए उसके बाद सबसे पहला स्टेप आता है आपका कि आप सोर्स कोड की भी टेस्टिंग करो. जब आप सोर्स कोड की टेस्टिंग करते हो तो इससे बेनिफिट ये होता है, आपको ये पता चल पाता है कि आपके सोर्स कोड में कोई बग्स एंड इश्यू तो नहीं है, कोई ऐसा तो नहीं है कि कुछ ऐसे पर्टिकुलर आपने प्रोग्राम लिख दिए हैं जो आगे जाके डिटेक्ट ही नहीं होंगे. ठीक है, कुछ ऐसे प्रोग्राम लिखे हैं जो हमारे सॉफ्टवेयर से रिलेट ही नहीं करते हैं, जो सॉफ्टवेयर के यूज केस के ही नहीं है. सो ऐसे प्रोग्राम लिखने से बेटर है आप एक बार टेस्टिंग कर लो, इन केस अगर आपने लिख भी दिया आपके डेवलपर्स ने गलती से या बाय मिस्टेक हो भी गया तो आप उनको टेस्ट करो, है ना. सोर्स कोड को टेस्टिंग की जाती है. तो टेस्टिंग के लिए ना हमारे पास एक टूल होता है, ऑटोमेशन टूल, मैं आपको बता देती हूँ. आप मैन्युअली भी कर सकते हैं, अपना एक सर्वर लो, मार्केट से एक रिसोर्स खरीदो, बाय करो. ठीक है, यहाँ पे आप क्या करो, टेस्टिंग एनवायरमेंट पूरा का पूरा बिल्डअप करो एंड देन टेस्टिंग करो. बट बेटर क्या है कि अब आपको जब ऑटोमेशन टूल्स प्रोवाइड किए ही जाते हैं, आईटी ऑपरेशन कर रहे हो तो ऑफकोर्स सी बात है ऑटोमेशन का यूज करो, ऑटोमेटेड टूल्स का. सो ऑटोमेटेड एक टूल होता है आपका सेलेनियम नाम का, ऐसे एक ही नहीं होते, मल्टीपल होते हैं. वी आर टेकिंग दी टूल सेलेनियम. ठीक है, आप कोई और भी ले सकते हैं अगर आपको जो भी आपको इजी लगता है एंड आपको जो लगता है कि आपको ये प्रेफर करना है तो आप अपने अकॉर्डिंग प्रेफर कर सकते हो, मैंने सेलेनियम लिया है. ठीक है, सो सेलेनियम इज योर टेस्टिंग टूल फॉर सोर्स कोड. आप इससे सोर्स कोड का सिंटेक्स चेक करते हो, क्वालिटी टेस्ट करते हो उसकी. ठीक है, सोर्स कोड में कोई लाइक इश्यू तो नहीं आ रहा, कुछ बग्स तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये सब कुछ डिटेक्ट करके आपको प्रोवाइड कर देता है. सो सेलेनियम के थ्रू हम पूरी की पूरी सिंटेक्स एंड क्वालिटी टेस्टिंग ले लेते हैं हमारे सोर्स कोड की, कि कोई आगे जाकर तो नहीं कोई इश्यू आएगा. एंड इन केस मान लो आपकी टेस्टिंग के टाइम पे कोई इश्यू आता भी है तो ये अब काम किसका होता है, जो सिलेनियम पे जो आपका इंजीनियर बैठा होगा ना, मान लो ये सिलेनियम पे आपका एक इंजीनियर बैठा है. अब उस इंजीनियर का काम क्या है कि ये इंजीनियर नोटिफाई करे सीधा डिवेलपर को, ये नहीं कि गिटहब के इंजीनियर को नोटिफाई करेगा, वो डिवेलपर को नोटिफाई करे. या तो ये भी कर सकता है वो गिटहब के इंजीनियर को बोले, पहले गिटहब का इंजीनियर डिवेलपर को बोले, कि वो डायरेक्ट भी बोल सकता है, सीधा मेल भेज दे. आपके सोर्स कोड पे आपके डिवेलपर्स की इंफॉर्मेशन रहेगी सोर्स कोड के अंदर, तो आप सेलेनियम से बोल सकते हैं कि आप वो सीधा डायरेक्ट बोल भी सकता है, मेल कर सकता है डेवलपर्स को. लेकिन बेटर होता है ये सब कुछ एक फ्लो में चलता है. तो सेलेनियम पे जो इंजीनियर बैठा होगा वो आपके गिटहब वाले इंजीनियर को कांटेक्ट करेगा, उस तक इंफॉर्मेशन जाएगी कि भाई सोर्स कोड गलत है, आफ्टरवर्ड्स डेवलपर तक पहुंचेगी, डेवलपर देन अगेन आपके सोर्स कोड को लिखेगा, फिर गिटहब पे पहुंचेगा उसकी सेंट्रलाइज लोकेशन पे, देन सेलेनियम आपकी टेस्टिंग करेगा. बट इन केस आपका सोर्स कोड में कोई इश्यू नहीं आता, सोर्स कोड एकदम परफेक्ट है, फाइन है, ठीक है, पूरा सक्सेसफुली वर्क करेगा आपका सॉफ्टवेयर जब बनेगा इससे, सो आप क्या करते हो आगे टेस्टिंग करने के बाद, यहाँ पे हम लोग क्लिक देते हैं, हमारा ये टेस्टिंग पर्पस के लिए यूज किया जाता है. सिलेनियम पे टेस्टिंग करने के बाद आगे हमारा हम लोग क्या करते हैं, एक और ऑटोमेटेड टूल का यूज करते हैं, ऑटोमेशन टूल. आई थिंक आप सभी को पता होगा, टेस्टिंग के बाद हम लोग बिल्डिंग कराते हैं. सो आपका एक बिल्डिंग टूल होता है इसी तरीके से, मावेन. जरूरी नहीं है मावेन ही होता है, आपका ग्रेडल, आंट, इस तरीके से बहुत सारे होते हैं, लेकिन आंट एंड ग्रेडल पहले हम लोग यूज करते थे, अब मावेन जो है उनसे थोड़ा ज्यादा बेटर वर्जन है एंड अपग्रेडेड है, दैट्स व्हाई हम लोग मावेन यूज करते हैं एंड इट इज फेमस एज वेल एंड इजी टू यूज अदर्स, अगर हम लोग बात करें अदर्स के मुकाबले. सो मावेन आपका एक अच्छा टूल है फॉर बिल्डिंग पर्पज के लिए, तो हम लोग भी मावेन का यूज करेंगे. ठीक है, जस्ट अ सेकेंड गाइज. ठीक है, सो हम लोग यहाँ पे थे मावेन. मावेन क्या करता है, बिल्डिंग करता है.
तो अब आपका सोर्स कोड आ चुका है, ठीक है। अब सोर्स कोड की बिल्डिंग की जाती है, कंपाइलिंग इज डन, मर्जिंग इज डन। अब नाउ अब बात आती है बिल्डिंग की। अब उस सोर्स कोड को बिल्डअप किया जाता है एक सॉफ्टवेयर में, ठीक है। सो मान लो अब हमारा जो सोर्स कोड था, विच इज जो किस में लिखा गया था, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल 4 फाइल में, इस फाइल से क्या बनाया जाएगा, एक सॉफ्टवेयर, ठीक है। सॉफ्टवेयर का आप नाम लोगे माई ऐप डॉट कॉम। माई ऐप में तो नहीं बनेगा, हम लोग ये बाद में बात करेंगे। इसको एक नेम कैसे मिलता है, विच इज फ्रॉम डीएनएस। अभी इसको एक आईपी मिलती है, ठीक है। तो मान लो हमारा एक सॉफ्टवेयर बन चुका है मावेन के थ्रू, हमारी बिल्डिंग का प्रोसेस इज डन। अब मावेन क्या कर रहा है, बिल्डिंग कर रहा है आपके सोर्स कोड की, ठीक है। जैसे ही मावेन आपके सोर्स कोड को बिल्ड करता है एक सॉफ्टवेयर में, अब अगेन उसकी टेस्टिंग की जाती है। क्यों? क्योंकि कभी कभी क्या होता है, देखो आपके सोर्स कोड के थ्रू बिल्डिंग तो डन हो गई, लेकिन बिल्ड करते टाइम ऐसा क्या होता है, कभी कभी कुछ प्रोसेसेस, अगर उसे लगता है मावेन को इन केस ये वाला जो प्रोसेस है वो कैशे से उसने उठा तो लिया है, लेकिन आगे जाके कोई इश्यू आ सकता है सॉफ्टवेयर को यूज करते टाइम। सॉफ्टवेयर आपका बेसिकली यूज तो हो पा रहा है, लेकिन आगे जाके कोई इश्यू आ सकता है, कुछ बग्स आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैं कोई एक ऐसी ट्रांजेक्शन वाली ऐप यूज कर रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं पेटीएम यूज कर रही हूँ, ठीक है। मुझे मेरे फ्रेंड को कुछ पैसे भेजने थे, ठीक है। मेरे अकाउंट से तो मैंने क्या कर दिया, उसको सेंड कर दिया, मेरे अकाउंट से तो वो बेसिकली डेबिट हो चुके, लेकिन उसके पास वो पैसे आए ही नहीं। तो यहाँ पे जो मिस्टेक है वो मिस्टेक सोर्स कोड में ही नहीं होती, जरूरी नहीं है सोर्स कोड में इशू हो, कभी कभी बिल्डिंग के टाइम पर भी इशू आ जाता है। एंड बिल्डिंग के टाइम पे जब आप टेस्टिंग का प्रोसेस नहीं डन कर रहे, आपने जस्ट नॉर्मली सोचा कि भाई हमारा सॉफ्टवेयर तो बन चुका है, सीधा डायरेक्ट डिप्लॉय कर दो, वो भी प्रोडक्शन पे डिप्लॉय कर दिया, तो आगे जो रिसोर्सेस को, जब आपके मल्टीपल आपके जो कस्टमर्स होते हैं, जब उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को यूज करेंगे, वो देखेंगे कि भाई इशू आ रहा है इसमें, तो बग्स आ रहे हैं, तो वो तो कंप्लेन करेंगे ना, उस कंपनी के ऊपर एक्शन लेंगे, लीगल एक्शन, जिस कंपनी ने उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया है। इसीलिए कहा जाता है कि हर एक स्टेप को करने के बाद हम लोग बहुत सारे मल्टीपल स्टेजेस से निकलते हैं, ठीक है, मल्टीपल स्टेजेस को गो थ्रू करते हैं। सो आफ्टर मावेन डायरेक्ट हम लोग डिप्लॉय नहीं करते, हम लोग क्या करते हैं, टेस्टिंग करते हैं सोर्स कोड बिल्डअप होने के बाद भी। सो मावेन के बाद हम लोग टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग किसकी करते हो, टेस्टिंग करते हो आप अपने सॉफ्टवेयर की। ये ऐसा तो नहीं कि सॉफ्टवेयर में कुछ, उसकी बेसिकली आप बोल सकते हो कोड एनालिसिस करते हो, जो कि आपका एक टूल है सोनार क्यूब, आपको कोड एनालिसिस करके देता है, आपकी पूरी की पूरी चेक करता है, आपके सोर्स कोड में भी एक बार ही देख लेता है कि हाँ ये जो सोर्स कोड बना है, विच मीन्स आपका जब सॉफ्टवेयर बिल्डअप हुआ है इस सोर्स कोड से बना, तो वो उसको भी गो थ्रू कर लेता है, पूरे के पूरे कोड की एनालिसिस करने के बाद देखता है कि भाई जो सॉफ्टवेयर बन गया है उसके अंदर तो नहीं कोई इशू आ गया, कोई ऐसा स्टेप तो नहीं है जो मिस हो गया, स्किप हो गया, एंड देन सॉफ्टवेयर देन बिल्डअप हुआ है, पूरा का पूरा वो टेस्टिंग डन कर देता है। सो मैं यहाँ पे किसका एग्जाम्पल दे रही हूँ, सोनार क्यूब का। देर आर मल्टीपल टूल्स जैसे मैंने आपको बताया टेस्टिंग के, बाकी इन सभी के देर आर मल्टीपल, इनके भी बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स आ चुके हैं, इवन गिटहब का भी ऑल्टरनेटिव आ चुका है। अगर आप सबको पता होगा गिटलैब, तो आप सब लोग अगर फेमिलियर होंगे गिटलैब से, तो आपको पता होगा गिटहब का आपका एक ऑल्टरनेट होता है ये भी, जो आपको दो फीचर प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। ये दो फीचर कौन से, ये हम लोग आगे बताती हूँ मैं आपको कि गिटलैब के दो फीचर्स कौन से हैं, जो कि आपके इसी टॉपिक में थोड़ा कवर अप हो जाएगा। सो मावेन के बाद हम लोग टेस्टिंग कराते हैं किससे, सोनार क्यूब से। सो सोनार क्यूब हमें सोर्स कोड की नहीं, हमें हमारे पूरे बिल्डिंग सॉफ्टवेयर की, जो बिल्डअप हो चुका है हमारा सॉफ्टवेयर है, उसकी टेस्टिंग करके देता है। देखो टेस्टिंग इज डन नाउ, अब बात आती है कि डिप्लॉयमेंट की। अब आपने सारा का स्टेप डन कर लिया, सारा का सारा स्टेप, आपके डेवलपर्स ने सोर्स कोड को रेडी किया, प्रोग्राम लिख लिया, ठीक है, पुश कर दिया सेंट्रलाइज लोकेशन पे। सेंट्रलाइज लोकेशन पे आने के बाद अब आपका काम क्या है, टेस्टिंग करना। क्या टेस्टिंग करते हो आप, सिंटेक्स टेस्ट करते हो, क्वालिटी टेस्ट करते हो अपने सोर्स कोड की। आफ्टरवर्ड्स आपने उसको बिल्डअप कराया है, देन उसकी अगेन टेस्टिंग की है अपने सॉफ्टवेयर की, कि भाई सॉफ्टवेयर में तो कोई इश्यू या बग नहीं है। सो ये सब स्टेप डन करने के बाद अब बात आती है डिप्लॉयमेंट की। अब आप यहाँ तक देखो जान चुके होंगे सारा का सारा आपका क्या चल रहा है, ये चल रहा है आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, विच इज योर SDLC लाइफ साइकिल, ठीक है। जैसे मैंने बताया, जब टेस्टिंग डन हो जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, डिप्लॉयमेंट, ठीक है। सो डिप्लॉयमेंट हम लोग करते हैं, डिप्लॉयमेंट बोल लो आप, डिलीवरी बोल लो, बट डिलीवरी
जो डिप्लॉयमेंट है वो मेन आपके प्रोडक्शन पे की जाती है, डिलीवरी जो होता है उससे पहले का प्रोसेस होता है, जो डिलीवरी की जाती है वो हम लोग स्टेजिंग पे करते हैं, विच इज अ प्री प्रोडक्शन एनवायरमेंट। ठीक है, तो काफी लोग जो बोलते हैं ना कि हम लोगों ने सॉफ्टवेयर डिलीवर कर दिया है, अभी वो डिलीवर विच मीन्स आपके प्री प्रोडक्शन एनवायरमेंट पे हुआ है, आपके मेन प्रोडक्शन एनवायरमेंट पे अभी तक वो डिप्लॉय नहीं हुआ है। तो डिलीवरी और डिप्लॉयमेंट में यही दो डिफरेंस रहता है, ये छोटा सा डिफरेंस रहता है बेसिकली। सो डिलीवरी इज डिफरेंट एंड योर डिप्लॉयमेंट इज डिफरेंट रहता है। तो काफी लोग डिलीवरी और डिप्लॉयमेंट एक समझते हैं, सो दैट्स व्हाई मैंने इसको क्लियर किया है। डिलीवरी अलग रहती है, डिप्लॉयमेंट आपका अलग है। जब डिप्लॉयमेंट होता है आपके सॉफ्टवेयर का, विच मीन्स अब सॉफ्टवेयर जा चुका है, डिप्लॉय हो चुका है, सेंड हो चुका है आपके प्रोडक्शन एनवायरनमेंट पे, नाउ ये विजिबल है सभी को, आपकी ऑडियंस को। ठीक है, सो डिप्लॉयमेंट के लिए भी हमारे पास बहुत सारे टूल्स होते हैं, हम लोग पाइथन के थ्रू भी कर सकते हैं, अगर आपको स्क्रिप्टिंग एंड ऑल की नॉलेज है तो भी आप कर सकते हो, इवन आप अपने उसके थ्रू भी कर सकते हो, आपका शेल स्क्रिप्टिंग के थ्रू भी कर सकते हो, उसमें भी स्क्रिप्ट होती है, आप एंसिबल के थ्रू कर सकते हो प्लेबुक रन करके। ठीक है, अब इसके भी बहुत सारे ऑल्टरनेट आ चुके हैं, लाइक अगर मैं बात करूँ आपका, अगर आप क्यूबनिटीज के एनवायरमेंट के ऊपर डिप्लॉयमेंट कर रहे हो तो आप आर्गो सीडी, फ्लक्स सीडी, ठीक है, मतलब गिटॉप्स के टूल्स का यूज कर सकते हो, देयर आर मल्टीपल टूल्स इसके भी। तो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपका एंसिबल टूल ले रही हूँ, एंसिबल जो आपका डिप्लॉयमेंट करके देगा। ठीक है, सो एंसिबल के थ्रू हम लोग डिप्लॉयमेंट करेंगे, एंसिबल आपका डिप्लॉयमेंट करेगा, प्लेबुक रन होगी, एंड देन डिप्लॉयमेंट कहाँ होगी, डिप्लॉयमेंट होगी आपकी सबसे पहले तो सीधा प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में, कभी नहीं करते हम लोग, कहाँ करते हैं सबसे पहले हम लोग करते हैं प्री प्रोडक्शन एनवायरनमेंट पे। सो यहाँ पे मैं दो एनवायरनमेंट क्रिएट कर लेती हूँ अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, प्री प्रोडक्शन एनवायरनमेंट आपका मान लो ये हो गया, ये हो गया आपका प्रोडक्शन एनवायरमेंट। ठीक है, सो प्री प्रोडक्शन एनवायरमेंट में आई थिंक आप सबको आइडिया तो लग ही चुका होगा, टेस्टिंग की वजह से ही हम लोग कर रहे हैं, ताकि एक बार और लाइक डाउट क्लियर करने के लिए कि भाई हमारा ऐसा तो नहीं कि हमारे सॉफ्टवेयर में कुछ इशू हो, अभी भी कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई आगे जाके कोई प्रॉब्लम आ सकती है, कोई चीज रिफ्लेक्ट नहीं करेगी, हो सकता है कि कोई पेज रिफ्लेक्ट ना करे, मान लो आपका फ्रंट एंड पेज रिफ्लेक्ट ना करे, बैक एंड पेज रिफ्लेक्ट ना करे, कुछ भी हो सकता है। सो दैट्स व्हाई हम लोग सबसे पहले प्री प्रोडक्शन एनवायरमेंट में करते हैं। तो ठीक है, सो सबसे पहले आप प्री प्रोडक्शन एनवायरमेंट में करते हो। अब प्री प्रोडक्शन को ना आप कभी कभी स्टेजिंग एनवायरमेंट भी बोल लेते हो, तो स्टेजिंग एंड प्री प्रोडक्शन एनवायरमेंट इज सिमिलर, जस्ट आप एक टेस्टिंग पर्पस के लिए अपने प्रोडक्ट की, आपके सॉफ्टवेयर की डिप्लॉयमेंट कर रहे हो कहाँ पे, स्टेजिंग या फिर प्री प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में। तो यहाँ पे मान लो आपके कुछ सर्वर लगे होंगे, ये आपके सर्वर है, ठीक है, दो सर्वर जैसे हमारे हैं, इन दोनों के ऊपर आपका लोड जाएगा, ठीक है, आपकी डिप्लॉयमेंट होगी आपकी सॉफ्टवेयर की। अब इस एप्लीकेशन, ये जो आपकी एप्लीकेशन है, ये वाली एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर आप बिल्डअप करो, ये दोनों इस सर्वर पे जा चुके हैं, अब इस सर्वर पे आप एक्सेस करोगे आप अपनी एप्लीकेशन को कि भाई ये परफेक्टली चल रही है नहीं चल रही। जैसे हम लोग हम कभी हमारा एप्लीकेशन जब बिल्डअप करते हैं तो हमारी एप्लीकेशन को एक आईपी एड्रेस मिलता है, और उस आईपी एड्रेस को हम लोग हिट जब करते हैं कुछ पोर्ट नंबर देकर, तो हमें वो पूरी की पूरी एप्लीकेशन, वो पूरी की पूरी जो वेबसाइट होता है हमारा सॉफ्टवेयर, वो हमें सब कुछ विजिबल हो जाता है, उसका फ्रंट एंड पेज, बैक एंड पेज, डेटाबेस पेज, उसका लाइक ठीक है ईच एंड एवरी पेज, जो थ्री टीयर पेज होते हैं आपकी एक एप्लीकेशन के, वो सब हमें विजिबल हो जाते हैं। ठीक है, सो उसी तरीके से हम लोग हमारी एप्लीकेशन को इन दोनों सर्वर पे डिप्लॉय करेंगे, चेक करेंगे कि एप्लीकेशन परफेक्टली रन हो रही है कि नहीं हो रही। ठीक है, इन केस नहीं हो रही तो वही पूरा का पूरा स्टेप जाएगा डिवेलपर तक, एंड देन डिवेलपर अगेन चेंजेस करता है। एंड इन केस अगर डिप्लॉयमेंट परफेक्टली हुई है, पूरी सक्सेसफुल है, आपकी एप्लीकेशन परफेक्टली रन कर रही है, देन जाके आपकी जो डिप्लॉयमेंट है वो कहाँ होती है, प्रोडक्शन एनवायरमेंट पर। सो यहाँ पर आती है। ठीक है, एंड देन प्रोडक्शन एनवायरमेंट पर आने के बाद इसको ले लेते हैं प्रोडक्शन, तो मान लेते हैं प्रोडक्शन एनवायरमेंट पर भी हमारे कुछ सर्वर हैं। ठीक है, ये ले लो, कुछ चार सर्वर्स मैंने बना दिए, इन चारों के ऊपर आपकी क्या होगी, एप्लीकेशन की डिप्लॉयमेंट होगी, एंड देन आप अपने सॉफ्टवेयर को एक्सेस कर सकते हैं, विच मीन्स आपके कस्टमर्स एक्सेस कर सकते हैं। नाउ कस्टमर्स एक्सेस कैसे करेंगे, हम कस्टमर्स को ये बोलेंगे कि भाई हमारी पब्लिक आईपी है, ये लो आईपी एड्रेस,
ये पोर्ट नंबर है, इस पोर्ट नंबर पे हिट करना एंड देन चेक कर लेना। ऐसे थोड़ी करेंगे, ये तो सिक्योर ही नहीं है। मतलब हमारी एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर हम लोगों ने बनाया है, इसका मतलब वो तो सिक्योर ही नहीं है। तो आपको पता होगा, आपने काफी बार देखा भी होगा, जब आप खुद की एप्लीकेशन बनाते तो वहां पे HTTP लिखा होता है, कभी भी S नहीं लिखा होता जब तक आप उसको सिक्योर नहीं करते। तो HTTPS रेफर करता है कि आपकी एप्लीकेशन, आपका जो सॉफ्टवेयर है वो सिक्योर है। ठीक है, आपने देखा भी होगा उसके ऊपर एक लॉक बना भी रहता है, सिंबल, लॉक का सिंबल। ठीक है, इवन वो आपको खुद भी बता देता है अगर सिक्योर नहीं होता। तो आप अपनी एप्लीकेशन को सिक्योर करते हो तब जाके आपके कस्टमर्स उसको एक्सेस करते हैं। नहीं तो ऐसे तो देखो, कोई भी कस्टमर, हमें क्या पता कुछ तो हैकर भी बैठे होंगे, कोई हमारी एप्लीकेशन को हैक कर लिया, कुछ कर दिया, कुछ मिसयूज कर दिया। ठीक है, तो वो बेटर नहीं है ना। दैट्स व्हाई क्या कहा जाता है कि आप जब प्रोडक्शन एनवायरमेंट पर डिप्लॉय करते हो, और अब हम सभी को पता है प्रोडक्शन एनवायरमेंट पर हम देख भी सकते हैं, एक सर्वर तो है नहीं, चार सर्वर तो हमारे सामने यहाँ पे विजिबल ही है। अब इन चारों सर्वर पर आप डिप्लॉयमेंट कर रहे हो, एक-एक करके करोगे, अब कुछ लोड आएगा, उस लोड को क्या पता कि इस वाले सर्वर पर जाना है, उसको क्या पता कि ये सेकंड वाले पे जाना है, उसको क्या पता कि थर्ड वाले पे जाना है। तो दैट्स व्हाई हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लोड को बैलेंस करने के लिए क्या लगाते हैं, लोड बैलेंसर। यहाँ पे नहीं, इसको मैं बाहर बना लेती हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये रहा, क्लियर है, ये आपका लोड बैलेंसर हो गया। लोड बैलेंसर मोस्टली आपका बोला जाता है, ये आपका रहेगा इंग्रेस लोड बैलेंसर। मैं लिख लेते हैं, ठीक है, यही लिख देती हूँ मैं। सो आई थिंक ये विजिबल होगा अब। ठीक है, सो इंग्रेस लोड बैलेंसर। अब ये इंग्रेस लोड बैलेंसर क्या करेगा, आपके लोड को इन डिफरेंट डिफरेंट एनवायरमेंट पर, ये जो आपका प्रोडक्शन एनवायरमेंट है, इन डिफरेंट डिफरेंट सर्वर के ऊपर भेजेगा, सेंड करेगा, विच मीन्स डिस्ट्रीब्यूट करेगा। अब देखो, अज्यूम करते हैं ये है हमारे कस्टमर्स। ठीक है, ये है हमारे कस्टमर्स। इन कस्टमर्स ने बोला, ये हमारी एप्लीकेशन पे आए, ये चल ले लेते हैं, ये मेरी एप्लीकेशन चल रही है। ठीक है, कस्टमर्स ने मेरी एप्लीकेशन पे हिट किया, इस एप्लीकेशन का एक आईपी एड्रेस ले लेती हूँ, लेट अज्यूम। ठीक है, ये आपकी एप्लीकेशन का आईपी एड्रेस हो गया। अब कस्टमर सीधा आईपी एड्रेस पे तो हिट नहीं करेंगे, हम लोग क्या कहते हैं कि कस्टमर्स आईपी एड्रेस पे हिट ना करके वो क्या करे, किस पे हिट करे, नेम पे हिट करे। किसके नेम पे भाई, एप्लीकेशन के नेम पे। क्यों, क्योंकि आप हमेशा, ये तो नहीं है ना कि कस्टमर को मेरी एप्लीकेशन का आईपी एड्रेस याद रहेगा, एज अ कस्टमर, एज अ ह्यूमन बीइंग मुझे खुद को याद नहीं रहेगा कि इस एप्लीकेशन का आईपी एड्रेस क्या था, है ना। और उस आईपी एड्रेस से अगर मैं कभी खोलना भी चाहूँ, मुझे तो याद ही नहीं है, तो मैं क्या ही खोलूंगी उस एप्लीकेशन के, अगर मुझे इमरजेंसी केस में नीड है तो मैं क्या ही खोलूंगी। दैट्स वाई हर एप्लीकेशन को, हर सॉफ्टवेयर को हम लोग क्या करते हैं, ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट प्रोवाइड करते हैं, विच मीन्स एक नेम देते हैं। जैसे कि हम सभी को पता है, हम लोग फोन नंबर से ज्यादा इजीली नेम को याद कर पाते हैं, है ना। सो दैट्स व्हाई नंबरिंग से ज्यादा इजी है नेम दे दो, आप अल्फाबेट्स दे दो। तो यहाँ पे भी हम लोग नंबर को स्किप करते हुए नेम देते हैं, विच मीन्स अगर आपकी एप्लीकेशन का आईपी एड्रेस ये है भी, तो ये है भी तो क्या हुआ, हम लोग क्या करते हैं, कस्टमर से नहीं बोलेंगे कि आप आईपी एड्रेस पे हिट करो, आप हिट करो DNS पे। ठीक है, अब ये आपका जो आईपी एड्रेस रहता है एप्लीकेशन का, वो लोड बैलेंसर के अंदर हम लोग राइट करते हैं, एंटर करते हैं। ठीक है, ये लोड बैलेंसर आपका किससे कनेक्ट रहता है, ये रहता है आपका DNS से कनेक्ट। DNS रेफर फॉर डोमेन नेम सर्वर। ठीक है, विच मीन्स आपके डोमेन को एक नेम मिल जाता है, आपका जो एप्लीकेशन है, आपकी जो सॉफ्टवेयर चल रहा है ना, उसको एक नेम मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं जिनको एक नेम मिला होता है, फॉर एग्जाम्पल डोमिनोज। ठीक है, डोमिनोज एक नेम है, लेकिन उसके बैकएंड में उसका एक आईपी एड्रेस होगा, वो आईपी एड्रेस हमें याद नहीं है, हमें नेम याद है डोमिनोज, है ना। सो दैट्स हाउ लोड बैलेंसर के अंदर आपके आईपी एड्रेस को एंटर किया जाता है, राइट किया जाता है। अब उस लोड बैलेंसर की मैपिंग DNS से कर दी जाती है, मैपिंग बोल लो आप, एक कनेक्शन बना दिया जाता है DNS के साथ, विच इज योर डोमेन नेम सर्वर। एंड तब जाके हम लोग क्या बोलते हैं कि DNS के अंदर हम हमारी एप्लीकेशन का एक नेम दे देते हैं, एक डोमेन ले लेते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, मेरी एप्लीकेशन क्या थी, myapp.com। ठीक है, myapp.com। ठीक है, सो कस्टमर्स कहाँ हिट करेंगे, इंस्टेड ऑफ हिटिंग
टू दी आईपी एड्रेस कस्टमर सेट करेंगे आपके डीएनएस पे, ठीक है। एंड आफ्टरवर्ड्स ये आपका इंग्रेस लोड बैलेंसर से कनेक्टेड है, कस्टमर जाएंगे सीधा उनकी एंट्री, उनकी जो रिक्वेस्ट है वो लोड बैलेंसर तक जाएगी, लोड बैलेंसर उनकी रिक्वेस्ट आपकी एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर है वहां तक भेजेगा। कैसे? लोड बैलेंसर देखेगा भाई कितना लोड है, वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगा लोड को कहाँ कहाँ, इन सभी सर्वर पे जितने सर्वर होंगे प्रोडक्शन। यहाँ तक क्लियर है सबको? किसी को यहाँ तक कोई डाउट इस पूरे के पूरे डायग्राम में? आवाज नहीं आ रही किसी की? मैं हाँ हट ठीक है, अभी तक समझ में आ गया। बाकियों को रिस्पॉन्स सब दो, ऐसे थोड़ी होता कि एक ही साइड से मुझे रिस्पॉन्स मिल रहा है, अगर मैं भी तो बोल रही हूं ना। थोड़ी सी कंफ्यूजन एट द स्टार्टिंग पॉइंट पे हुई है। आई नो कि कोई बैकग्राउंड नहीं है, तो आई थिंक मुझे थोड़े से कंफ्यूजन, कुछ वर्ड्स, टेक्निकल वर्ड्स मैं कैच नहीं कर पा रहा हूँ। ऑल ओवर आपने बताया, जो रोड मैप बताया, बाकी सबको क्लियर है? मैम सुना जरा, ओके हाँ जी, आप सुनाई दे रहे हैं, चेजिंग ड्रीम्स करके है। या सो मैम, आज जो हम लोग सेशन करने वाले थे, मींस जो मुझे सिलेबस भेजा गया था, दैट वाज अबाउट लाइनक्स। ओके, तो फिर मैंने संजय भाई से बात की, तो उन्होंने कहा कि दिस इज अबाउट द सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल। ओके, और बेटर टू से डेवलप्स एनवायरनमेंट के ऊपर में ओवरव्यू, एम हाँ आई जी, राइट? यस यस, ओके, तो आज और कल क्या यही डिस्कस होगा नो रिगार्डिंग? बेसिकली सी, आप लिनक्स को पढ़ने वाले हैं, इट्स गुड, बट लिनक्स को, लिनक्स भी कहाँ का पार्ट है? ये भी तो आपका डेवॉप्स आईटी इंडस्ट्री का पार्ट है ना। अगर आपको आईटी के ऊपर ही यस नॉलेज नहीं है, आपको डेवॉप्स के अंदर की नॉलेज ही नहीं है, क्योंकि डेवॉप्स के टूल्स हैं, अगर आपको यही नहीं पता कि डेवॉप्स क्या है एंड आप लिनक्स को पढ़ने चले हो, देन फायदा क्या ऐसे पढ़ने का? आपको मेन उसमें बात तो पता होना चाहिए ना कि डेवॉप्स क्या है, डेवॉप्स ने किस तरीके से अपने टूल्स दिए है ना, एंड देन जाके हम लोग हमारे टूल्स को कवर अप करेंगे, विच इज योर लिनक्स, AWS, आपके आगे जाके टेराफॉर्म एंड ऑल, ये सभी टूल्स को आपको कवर अप होगा। आज आपका एक जस्ट इंट्रोडक्शन पार्ट है डेवॉप्स के अंदर, कि बेसिकली डेवॉप्स क्या कर रहा है, ठीक है, मार्केट में अगर सॉफ्टवेयर आ रहे हैं तो उनका काम क्या है, क्यों आएंगे मार्केट के अंदर, क्लियर है? बाकी सब क्लियर? ओके, जी, सो आज तो ठीक है, बट नेक्स्ट क्लास से आई वांट एवरीवन रिस्पॉन्स टू मी एंड अदर्स ट्रेनर्स टू, जो भी आपको पढ़ाएगा तो आप सभी लोग रिस्पॉन्स देना, बिकॉज अगर एक ही जना बोल रहा है, अगर मैं ही सिर्फ कॉन्वो कर रही हूँ तो ऐसा तो लग रहा है कि मैं अपने आप को ही पढ़ा रही हूँ, है ना? सो आई वॉन्ट दैट एवरी वन रिस्पॉन्स टू दिस ईच एंड एवरीथिंग। अब देखो इतना ही नहीं, ये तो देखो प्रोडक्शन एंड प्री प्रोडक्शन एनवायरमेंट में डिप्लॉयमेंट कैसे हुआ है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, आप सभी देख सकते हो यहाँ पे जो भी हम लोगों ने हर एक टूल्स पर हम लोग पहुंचे हैं, जितने भी आईटी के जितने भी आपके टूल्स हैं, विच इज योर ऑटोमेशन टूल, सेलेनियम, मावेन, सोनार्क्यूब, एंसिबल, ठीक है, ये सभी टूल्स का जो आपने यूज किया है, आपने मैन्युअली यूज किया है, विच मीन्स आपने अपनी मैन पावर का यूज किया है एंड देन जाके आपने इन टूल्स को यूज केस किया और इनका अच्छे से यूज करके टेस्टिंग की, बिल्डिंग की, अगेन टेस्टिंग की एंड देन डिप्लॉयमेंट की, बट ये ठीक नहीं है। विच मीन्स अगर आपका यहाँ पे गिटहब इंजीनियर बैठा है, उसने पहले क्या बोला कि उसने अपने सोर्स कोड को सेलेनियम वाले इंजीनियर तक पहुंचाया, सेलेनियम इंजीनियर ने टेस्टिंग डन की, देन मावेन तक पहुंचा, मावेन वाले इंजीनियर ने बिल्डअप किया, फिर देन सोनार्क्यूब तक पहुंचा, सोनार्क्यूब इंजीनियर ने आपकी अगेन टेस्टिंग की, आफ्टर दैट एंसिबल वाले इंजीनियर तक पहुंचा एंड देन एंसिबल इंजीनियर ने डिप्लॉयमेंट कर दी, फिर यहाँ पे जो ऑपरेशनल टीम बैठी होगी ऑपरेशंस की, उन्होंने आगे का स्टेप डन किया। अब जब ऑपरेशंस टीम इन स्टेप को डन करती है तो एंसिबल वाला जो यूजर होता है, विच मीन्स आपका इंजीनियर रहता है, उसको एक स्क्रिप्ट देनी पड़ती है इनको, कि इस स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग आपको डिप्लॉयमेंट करनी है, विच मीन्स अपना जो प्रोडक्शन एनवायरमेंट है वहां पे जब आप ऑपरेशंस करोगे, ठीक है, लोड बैलेंसर क्रिएट करोगे एंड ऑल, बाकी जितने भी ऑपरेशंस करोगे तो इस स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग आपको करनी है।
वही सोनार क्यूब इंजीनियर जब करा था तो उसने एनसीबल वाले इंजीनियर को एक स्क्रिप्ट दी कि आपको जब डिप्लॉयमेंट करनी है तो ये स्क्रिप्ट फॉलो करो, एनसीबल में एक प्लेबुक बनाओ एंड देन जाके डिप्लॉयमेंट करो। सो ये बेटर नहीं है क्यों? इन केस मान लो गिटहब वाले इंजीनियर ने टेस्टिंग के लिए सेलेनियम वाले इंजीनियर तक पहुंचाया सोर्स कोड को, अब मान लो सेलेनियम वाला इंजीनियर अवेलेबल ही नहीं है, तो पहले आपको इंजीनियर ढूंढो जो टेस्टिंग करेगा कोई भी, इसमें भी तो टाइम खींचेगा, कितना ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा। अब यही मान लो माविन वाला इंजीनियर अवेलेबल नहीं है, वो टाइम कंज्यूम करेगा। अब मान लो इंजीनियर तो अवेलेबल है लेकिन सोर्स कोड में कोई इश्यू आ गया, तो माविन वाला इंजीनियर पहले ईमेल राइट करेगा, मिस्टेक्स को फाइंड करेगा, उससे रिलेटेड एक रिपोर्ट जनरेट करेगा, आफ्टर दैट सेलेनियम वाले इंजीनियर तक पहुंचाएगा, सेलेनियम वाला अपने कुछ रिपोर्ट्स के अंदर कुछ एड ऑन करेगा, फिर गिटहब पे, मतलब कि पूरे के पूरे प्रोसेस में बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था। इवन मैन पावर एक्स्ट्रा लग रही थी, जितनी हमें मैन पावर की नीड नहीं है उससे ज्यादा मैन पावर लग रही है। आफ्टर दैट आपके रिसोर्सेस फालतू में एक्स्ट्रा यूसेज हो रहे हैं, जिनकी रिक्वायरमेंट नहीं है इतनी फिर भी यूसेज किए जा रहे हैं। सो इन सभी चीजों से बचने के लिए कि हमने क्या बोला कि हम नहीं चाहते कि भाई मैन पावर हमारी इतनी यूज हो, हम लोग मैनुअली हर एक टास्क को करें, अगर मैनुअली कर ही रहे हैं तो आईटी में आने का फायदा क्या, आईटी ऑपरेशंस का यूज केस कहाँ हो रहा है, हम लोग आईटी के टूल्स का अच्छे से यूज कहाँ कर पा रहे हैं। सो आईटी में आपका एक अनदर टूल आया था जिसको आप लोग बोलते हो जेनकिन्स, ठीक है, आपका इंटीग्रेशन टूल जो आपस में इंटीग्रेट कर देता है बाकी जितने भी टूल्स हैं आपके उनको, ठीक है। अब जेनकिन्स नहीं, अब आपका एक गिटलैब आ चुका है, जैसे मैंने आपको बताया था मैं बताऊंगी गिटलैब। सो गिटलैब क्या करता है, आपकी गिट का जो काम जो आपका गिटहब कर रहा है एंड जो जेनकिन्स कर रहा है, ठीक है, दोनों के काम आपको करके देता है, विच मीन्स इंटीग्रेशन का भी प्रोसेस एंड वर्जनिंग भी मेंटेन, इंक्लूडिंग विद ट्रैकिंग एंड ऑल। सो जेनकिंस क्या करेगा, आपस में ना इन सभी को क्या कर देगा, इंटीग्रेट, इन सभी के सभी प्रोसेस को क्या कर देगा वो, इंटीग्रेट, ये पूरा का पूरा प्रोसेस आपका इंटीग्रेट हो जाएगा, किसके थ्रू, जेनकिंस के थ्रू। इंटीग्रेट का मतलब है आपस में कनेक्ट हो जाएगा, आपको मैन्युअली कोई चीज नहीं करनी पड़ेगी। जैसे ही आपका गिटहब के ऊपर सोर्स कोड आएगा ना, गिटहब का जो इंजीनियर होगा आपका सिलेनियम तक पहुंचाएगा, लेकिन अगर आपने गिटहब का जो बेसिकली जो गिटहब के जो कनेक्शन है जेनकिंस के साथ बना रखा है, तो अब ये सारा काम जेनकिंस का है। जेनकिंस क्या करेगा, देखेगा अच्छा गिटहब का सोर्स कोड आया मेरे पास, उसको सिलेनियम तक पहुंचाएगा टेस्टिंग के लिए, देन माविन से बिल्डअप कराएगा, सोनार क्यूब से टेस्टिंग कराएगा, एंसिबल से डिप्लॉयमेंट, ये सारा प्रोसेस जेनकिंस का है। मतलब ये सब कुछ काम अब ऑटोमेशन पे होंगे। जेनकिंस कहता है कि ऑटोमेट करने के लिए वो प्लगइन्स आपको देता है, मतलब ऐसी प्लगइन्स जो आपके रिसोर्सेस को बचाएंगी, मतलब जहां पे आप रिसोर्सेस लगा रहे थे ना, एक सेलेनियम के लिए अलग रिसोर्स क्रिएट कर रहे थे, मार्विन के लिए अलग रिसोर्स क्रिएट कर रहे थे, सोनार क्यूब के लिए अलग रिसोर्स क्रिएट कर रहे थे, उन रिसोर्सेस को साइड करके आप प्लगइन्स इंस्टॉल करो जेनकिन्स के अंदर। जेनकिन्स के अंदर आपने प्लगइन्स ली, सेलेनियम की टेस्टिंग होगी, मार्विन की बिल्डिंग होगी अपने आप, सोनार क्यूब की अपने आप टेस्टिंग होगी, तो आपने प्लगइन्स ले ली, प्लगइन्स इंस्टॉल कर दी, यहाँ पे आया आपका ऑटोमेशन का टास्क मेन, ठीक है। तो यहाँ पे आपके रिसोर्सेज बच गए, कॉस्ट कटिंग हो गई, यहाँ पे जो आप ये रिसोर्सेज का यूज कर रहे हो विच इज आपका सिलेनियम, सिलेनियम मावेन सोनार क्यूब एंसिबल, यहाँ पे आपका ये सब कुछ बच जाएगा रिसोर्सेज, एंड देन आप लोग क्या करोगे, प्लगइन्स इंस्टॉल करोगे जेनकिंस के अंदर। तो अब ये पूरा का पूरा टास्क ऑटोमेट हो चुका है, पूरा का पूरा प्रोसीजर गिटहब के बाद डायरेक्ट सेलेनियम, डायरेक्ट मावेन, डायरेक्ट सोनार क्यूब एंड देन डायरेक्ट डिप्लॉयमेंट का प्रोसेस स्टार्ट। यहाँ से ऑपरेशनल टीम काम करती है, बट यहाँ तक पूरा प्रोसेस आपका सीआईसीडी फंक्शनैलिटी पे रन होता है, डिप्लॉयमेंट सीआईसीडी रेफर फॉर कंटिन्यू इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यू डिलीवरी और डिप्लॉयमेंट, ठीक है। तो आपस में इंटीग्रेट है मतलब कंटिन्यू पूरा का पूरा प्रोसेस जनरेट होगा आपका जो प्रोसेस है, विच मीन्स अपने आप बिल्डिंग होगी, टेस्टिंग होगी, अगेन टेस्टिंग होगी, देन डिप्लॉयमेंट होगी, पूरा का पूरा प्रोसेस कंटिन्यू फॉर्मेट में रहेगा एंड इवन ऑटोमेट पे चलेगा अपने आप। तो जब आप जेनकिंस पढ़ोगे तो आप अंडरस्टैंड करोगे व्हाई वी कॉल जेनकिंस एज एन इंटीग्रेशन टूल, क्यों, क्योंकि ये सीआईसीडी की फंक्शनैलिटी दे रहा है, कंटिन्यू इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन रेफर फॉर जनरेटिंग, आपका कोई टास्क आपका कोई सॉफ्टवेयर जनरेट हो रहा है और कंटिन्यू फॉर्मेट में हो रहा है, कोई स्टेप बीच में ब्रेक भी नहीं हो रहा, एंड कंटिन्यू डिलीवरी डिप्लॉयमेंट भी कंटिन्यू फॉर्मेट में हो रही है, डिप्लॉयमेंट आपके सॉफ्टवेयर। सो ये प्रोसेस हम लोग यूज करते हैं जेनकिंस का, सेम आपका आगे जाके आप जब गिटलैब पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि गिटलैब भी सेम ही कर रहा है, सीआईसीडी की फंक्शनैलिटी के साथ साथ गिटहब की फंक्शनैलिटी दे रहा है, ठीक है। सो ये होता है आपका पूरा का पूरा प्रोसीजर सॉफ्टवेयर डेवलप करते टाइम। इतना ही नहीं,
आप इसमें भी आप देखो बहुत सारी आपको फंक्शनैलिटी मिलती है, पूरी की पूरी आपको ड्यूरेबिलिटी मिलती है, ठीक है, पूरा का पूरा ये फ्लेक्सिबल रहता है। यहाँ पे आपको देखा होगा आप लोगों ने काफी बार, या सुना भी होगा, किसी ने सुना होगा ब्लू एंड ग्रीन डिप्लॉयमेंट के ऊपर, आप सबने सुन रखा होगा। ब्लू एंड ग्रीन डिप्लॉयमेंट बेसिकली करती क्या है, किसी को पता है ब्लू एंड ग्रीन डिप्लॉयमेंट के ऊपर होता क्या है? ब्लू एंड नहीं ग्रीन किसी को भी नहीं पता, नहीं नो वरीज। ब्लू एंड ग्रीन डिप्लॉयमेंट का मतलब है जब आपकी डिप्लॉयमेंट आपके इन सर्वर पर होगी, सपोज प्रोडक्शन एनवायरनमेंट पर हमारी डिप्लॉयमेंट होगी और यहाँ पे लगे हैं 4 सर्वर, ठीक है। अब ये जो एनवायरनमेंट है वो आपका, मान लो ये ब्लू वाला जो एनवायरनमेंट दिख रहा है, मान लो यहाँ पे बना हुआ, ठीक है, ये 4 सर्वर इस वाले एनवायरनमेंट पे चल रहे हैं, ये ब्लू वाले पे, और ग्रीन वाले पे भी ऐसे 4 सर्वर पड़े हुए हैं, ठीक है, 4 सर्वर मान लो यहाँ पे भी हैं, लेकिन अभी वो यूज केस में नहीं, ये अभी एनवायरनमेंट ऐसे ही एज इट इज पड़ा हुआ है, अज्यूम कर लेते हैं 2 सर्वर चल रहे हैं, ठीक है, और ये चारों के चारों सर्वर समझ लो आपके इस ब्लू वाले एनवायरनमेंट पर चल रहे हैं, तो इसको आप बोलोगे ब्लू एनवायरनमेंट और ग्रीन वाला ग्रीन एनवायरनमेंट। तो डिप्लॉयमेंट एंसिबल के थ्रू ब्लू डिप्लॉयमेंट हुई है ब्लू वाले सर्वर पर। तो अब मान लो कभी लोड बहुत ज्यादा आ गया, ठीक है, कुछ एप्लीकेशन में कॉन्फ़िगरेशन करनी है, कुछ मॉडिफिकेशन करना है, और लोड इतना ज्यादा आ गया कि मेरा जो ब्लू वाला जो एनवायरनमेंट है ना वो एकदम से डाउन पड़ गया, एकदम से डाउन, तो मेरे सारे सर्वर बंद हो जाएंगे, एप्लीकेशन बंद हो जाएगी ना हमारी, बताओ, एप्लीकेशन बंद हो जाएगी ना आपका, सॉफ्टवेयर कोई एक्सेस नहीं कर पाएगा, एक्टिव नहीं मिलेगा। एक बार फिर से बताना मैम। जस्ट अ सेकेंड, अज्यूम करो जो आपकी डिप्लॉयमेंट हुई है ये आपका एक ब्लू एनवायरनमेंट है, इसी तरीके से आपका एक ग्रीन एनवायरनमेंट है, ठीक है, और ये है आपका लोड बैलेंसर। ये लोड बैलेंसर से आपके दोनों एनवायरनमेंट क्या है, आपस में कनेक्टेड, इसको हम लोग एलबी ले लेते हैं, एलबी रेफर फॉर लोड बैलेंसर। ये आपका हो गया ब्लू डिप्लॉयमेंट एनवायरनमेंट, सेम ये आपका क्या हो गया ग्रीन डिप्लॉयमेंट एनवायरनमेंट, ठीक है। अब मान लो ब्लू एनवायरनमेंट के ऊपर आपके कुछ सर्वर बने हुए हैं, ग्रीन वाले पे भी आपके कुछ सर्वर बने हुए हैं, ठीक है, आपका लोड आ रहा है, लोड बैलेंसर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है ब्लू वाले पर, क्यों, क्योंकि आपने प्राइमरी रखा है ब्लू एनवायरनमेंट, आपने क्या बोलते हैं ये प्राइमरी रहेगा, और आपने क्या बोला जो दूसरा है ना आपका वो सेकेंडरी रहेगा। अब प्राइमरी सेकेंडरी तो आई थिंक आप सबको पता ही होगा कि प्राइमरी जो मेन चलेगा फर्स्ट एंड सेकेंडरी, इन केस अगर प्राइमरी बंद हो गया है तब जाके सेकेंडरी रन होता है, प्राइमरी ना हो तो सेकेंडरी वर्क करता है। सो मान लो अब लोड बैलेंसर ने डिस्ट्रीब्यूट किया आपके लोड को इन चारों के चारों सर्वर पर, ठीक है, अब मान लो आपकी जो एप्लीकेशन यहाँ पे चल रही है इन चारों के चारों सर्वर पर जो कि ब्लू एनवायरनमेंट पर चल रही है, ठीक है, एकदम से ब्लू एनवायरनमेंट आपका डाउन हो गया, आपके चारों सर्वर एकदम से डाउन हो गए, ठीक है, तो उस केस में आपकी एप्लीकेशन तो बंद हो जाएगी ना, आपकी एप्लीकेशन तो आपके कस्टमर तक एक्सेसिबल नहीं रहेगी ना, यही क्वेश्चन था मेरा, बताओ रहेगी कि नहीं रहेगी, नहीं रही। नहीं रहेगी। तो उस केस में ऐसी प्रॉब्लम को फेस करने से बेटर है हम लोग क्या करें, हमारा कनेक्शन लॉस्ट होगा तो कस्टमर्स भी लॉस्ट हो जाते हैं, ठीक है, दैट्स व्हाई हम लोग डेटाबेस रखते हैं। अब डेटाबेस तो है लेकिन स्टिल कनेक्शन लॉस्ट है, हमारे कस्टमर्स को हमारी एप्लीकेशन एक्सेसिबल नहीं हो रही, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं ग्रीन डिप्लॉयमेंट एनवायरनमेंट भी क्रिएट करते हैं, विच इज योर सेकेंडरी डिप्लॉयमेंट एनवायरनमेंट। मतलब अगर प्राइमरी डिप्लॉयमेंट आपका बंद पड़ जाए, एकदम से डाउन पड़ जाए, तो आपका जो लोड है वो कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, सेकेंडरी वाले पर, इसको बोलते हैं आप स्वैप पार्टीशन का कंसेप्ट, ठीक है, मतलब आपका जो लोड है आपका जो ट्रैफिक है वो कहाँ पे स्वैप हो रहा है, आपके दूसरे एनवायरनमेंट पर ऑटोमेटिकली, जैसे ही ये डाउन पड़ेगा आपका ब्लू वाला, ऑटोमेटिकली आपके ग्रीन वाले के ऊपर आपका जो ट्रैफिक है आपका लोड क्या है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सो इसीलिए जब भी अगर हम प्रोडक्शन एनवायरनमेंट पर डिप्लॉयमेंट करते हैं तो वहां पे ब्लू एनवायरनमेंट अलग और ग्रीन एनवायरनमेंट अलग बनाया जाता है,
ठीक है, ब्लू वाले को प्राइमरी रख दिया जाता है, ग्रीन वाले को सेकेंडरी। इन केस अगर आपका ब्लू बंद पड़ जाए तो सेकेंडरी अपना काम शुरू करते हैं स्वैप होके पार्टीशन। तब तक आप ब्लू वाले पे जो आपकी डाउन हुई है उसकी ट्रबल शूटिंग करो, उस पे देखो कि भाई इशू क्या आया एंड उसको सॉल्व करो, एंड आगे जाके जब ग्रीन डाउन पड़ेगा तो आपका ब्लू वाला स्टार्टअप हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है। बाकी सबको क्लियर है ना? ओके देखो मेरे को रिस्पॉन्स सबकी साइड से चाहिए, फाइजा आपकी साइड से भी, पीयूष, सुरोजित, मणिभूषण, आप सबकी साइड से रिस्पॉन्स चाहिए। ठीक है, मेरा क्वेश्चन ये है कि लेट्स से इन ए सर्वर, ओके, इन ए लिनक्स सर्वर मैं ब्लू एनवायरनमेंट और ग्रीन एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट कर सकता हूँ? अभी लिनक्स की बात हो रही है। नहीं, इट्स जस्ट अबाउट कॉन्सेप्ट। आपके टूल्स में हम एक-एक चीज को कवर अप करेंगे एंड आपके हर एक क्वेश्चंस को भी लेंगे। ठीक है, अगर आप एंसिबल का क्वेश्चन मुझसे अभी पूछोगे तो आई थिंक मैं नहीं आंसर दूंगी, बिकॉज आपके अभी डिवॉप्स का इंट्रोडक्शन चल रहा है ना। अभी आप आज की क्लास से मुझसे इशू पूछो, मैं आपको पूरा का पूरा आंसर दूंगी। बाकी जितने टूल्स हैं आप उनसे नेक्स्ट जितने जो भी आपका मॉड्यूल शुरू होगा आप उसमें कवर अप करना। ठीक है, इंट्रोडक्शन पार्ट से क्लियर करो। हाँ जी, ठीक है, देन क्योंकि हमारी मेरी अभी नेक्स्ट क्लास भी होती है तो मैं दैट्स व्हाई आपसे पूछूं, आप सबको क्लियर है ईच एंड एवरीथिंग? हाँ जी ठीक है, सो मेन थिंग आती है अब आपके टूल्स, क्या क्या टूल्स कवर अप होंगे। सो ये सभी टूल्स आई थिंक आप लोगों ने जब ज्वाइन किया होगा तो आपको एक बार ही बता दिया गया होगा कि लिनक्स आपका AWS, टेराफॉर्म आपका, क्या कहते हैं, डॉकर, एंसिबल, गिटहब, ये सब कुछ कवर अप होगा आपका। इवन आपका जेनकिंस, आपका CI/CD टूल भी कवर अप होगा। देन आपको पता चलेगा कि वहां पे आप किस तरीके से एनवायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, लिनक्स के अंदर। एंड आपका लाइक सब कुछ, अगर आप SSH का कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो, नेटवर्किंग कैसे कर रहे हो, एंड ऑल ईच एंड एवरीथिंग आपकी कवर अप होगी। और ये जो आपके डाउट्स रहेंगे आप पूछोगे, आपको आंसर भी मिलेगा, लेकिन आप सभी को रिस्पॉन्स जरूर करना है। जब भी आपसे कोई क्वेश्चन किया जाए, कुछ क्वेरी की जाए, कुछ पूछा जाए, तो आप सभी को टाइम टू टाइम आपको भी आंसर देना है। ठीक है, सो आई थिंक आज की क्लास आप सबको अगर क्लियर है तो हम लोग यहीं पे बाइंड अप करें। ओके मैम, एक चीज आप बताओ, कल हम लोग क्या पढ़ेंगे? ओके कल आपका जो फर्स्ट मॉड्यूल होता है विच इज योर लिनक्स, वो आपका स्टार्टअप होगा। ओके और ये वीडियो कैसे मिलेगा मैम, आज का जो वीडियो सेशन है? वीडियो आपकी रिकॉर्ड हो रही है, एक बार, ठीक है, ये आपको ड्राइव पे मिल जाएगी एक्सेस इसका। आप ड्राइव पे आप अपनी ईमेल आईडी अपने ग्रुप में शेयर कर देना। ठीक है, ग्रुप में ओके आप ईमेल आईडी दोगे, आपको ईमेल आईडी के थ्रू ड्राइव पर एक्सेस मिलेगा, एंड देन यू कैन वॉच द वीडियो। ओके ओके थैंक यू मैम। वेलकम। तो अभी क्या पेस्ट करना है इस चैट में? मेल नहीं आईडी नहीं आपको यहाँ पे नहीं, आपको ग्रुप में एड ऑन किया गया होगा आई थिंक, एक डेवॉप्स का ग्रुप बनाया गया होगा। नहीं भी ऐड किया होगा तो नो प्रॉब्लम, आज अभी आपको आई थिंक ऐड कर दिया जाएगा, हेल्पडेस्क के थ्रू टीम है वहां पे, हेल्पडेस्क टीम आपको ऐड ऑन कर देगी, एंड देन यू कैन शेयर योर मेल आईडी देयर। ओके तो वो ग्रुप में ऐड होगा थ्रू माय मोबाइल नंबर? यस, ओके ओके, सो ओके गाइस, हम लोग यहीं पे बाइंड अप करते हैं आज की क्लास। ठीक है, एंड देन